So, सबसे पहले मान्या जस्ट टोल्ड अस दैट वी वर हैविंग अ लिटिल ट्रबल विद ट्रिम्ड मीन, तो एक बारी लेट अस रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, ट्रिम्ड मीन. ठीक है, सो ट्रिम्ड मीन का मतलब है कि आप एक्चुअली निकाल रहे हो मीन ही, ठीक है, बट ट्रिमिंग कर रहे हो. आपके जो ऑब्जर्वेशन है, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, उनकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर रहे हो साइड में, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से चीजें हटा के, और फिर आप बचे हुए जो ऑब्जर्वेशन है उनकी मीन ले रहे हो. अब इट इज फाइन एज लॉन्ग एज, जैसे हम 10% ट्रिमिंग, 15% ट्रिमिंग ये सब करते हैं, तो वो 10% जो है एक्चुअली एक इंटीजर आए, देन इट इज फाइन. बट वॉट इफ इट इफ दैट परसेंटेज इज नॉट अ it's not an integer. So the example that we took last time was this one. Yeah, we took this example jahan pe we had 21 observations. So 21 students the hamare paas, theek hai, and hame nikalna tha 10% trimming, theek hai, 10% trimmed mean for this above data. So agar maan lo mere paas kya hai, so I have 21 observations and I have to find 10% trimmed mean. Trimmed mean. So 10% trimmed mean agar nikalna hai to aap kya karoge, 10% of total number of observations. So 10% of 21 is what? 2.1, right? 10% is 2.1, theek hai. अगर ये 2 आ जाता, मान लो ये 21 की जगह 20 ऑब्जर्वेशंस होते, सो 10% ऑफ 20 इज 2, तो मैं क्या करती, मेरे स्टार्टिंग के 2 ऑब्जर्वेशंस को डिलीट करती और एंडिंग के 2 ऑब्जर्वेशंस को डिलीट करती, और जो बचे हुए ऑब्जर्वेशंस होते उनका मीन ले लेती. बट अब ये जो है एक नंबर आ गया विच इज इन डेसिमल्स, देन व्हाट डू यू हैव टू डू. अब आप ये देखो, लुक एट द इंटीजर विच इज बिलो दिस. So below this the integer is 2, and then also look at the integer which is above this. Above this integer is 3, ठीक है? So अब आपको क्या करना है, आपको trimmed mean निकालना है, as if एक ऐसा percentage आपको बोला गया है जिससे आपका whatever x percentage of 21 is 2, ठीक है? So आप क्या करोगे, starting के 2 observation, ending के 2 observations delete करके जो mean आएगा उसका ट्रिम्ड, उसको निकालोगे. सो दैट विल बी योर ट्रिम्ड मीन व्हेन यू हैव डिलीटेड 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? अब ये निकालो, उसके बाद यू व्हाट डू यू डू, ट्रिम्ड मीन निकालो बाय डिलीटिंग 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड 3 फ्रॉम द राइट, ठीक है? सो देन व्हाट डू यू डू, ट्रिम्ड मीन, व्हेन यू डिलीट 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो आप 2.1 ऑब्जर्वेशंस डिलीट नहीं कर सकते. आप या तो 2 डिलीट कर सकते हो, या 3 या 1 या 4, ऐसे इंटीजर वैल्यू के ऑब्जर्वेशंस डिलीट कर सकते हो, बट मुझे निकालनी है 2.1 ऑब्जर्वेशंस डिलीट करके. तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 2 वाला मीन निकालो, 3 वाला मीन निकालो, ठीक है? और इन मीन्स को वो वेट दो सच दैट वो वेट जब आप दोगे और जब फाइनली जो नंबर निकालोगे दैट कम्स आउट टू बी 2.1, ठीक है? सो मान लो मैंने ट्रिम्ड भी वेट देना, मतलब कितनी मैं वेटेज दे रही हूँ, मान लो किसको 60% दिया, किसको 40% दिया, ठीक है? सो मान लो मैंने 2 को अल्फा परसेंट वेटेज दिया, या फिर अल्फा फ्रैक्शन वेटेज दिया, ठीक है? और 3 को है, 3 को मुझे बचा हुआ सारा वेटेज देना, सो 1 माइनस अल्फा. सो आई वॉन्ट दिस अल्फा टू बी सच दैट वेन आई फाइंड द वेटेड एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर्स I get 2.1, ठीक है? So मुझे क्या करना है, 2 times alpha plus 3 times 1 minus alpha, that should be 2.1, ठीक है? So then what it is, 2 alpha plus 3 minus 3 alpha equals to 2.1, ठीक है? So यहाँ पे क्या हुआ, 2 alpha minus 3 alpha, so this is 3 minus alpha equals to 2.1, ठीक है? So अब alpha की value क्या होनी चाहिए, alpha equals to 0.9. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इस नंबर को 90% वेटेज देनी है, ठीक है? इसको मैं जब 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी देन आई गेट द परसेंटेज. सो मुझे इस नंबर को 90% वेटेज देनी है, इसको 10% वेटेज देनी है, तब मेरा 10% ट्रिम्ड मीन आ जाएगा, ठीक है? दिस इज हाउ आई हैव टू डू दिस, ठीक है? सो जब भी डेसिमल आ जाए
लुक फॉर द लोएस्ट लोअर इंटीजर एंड द हायर इंटीजर एंड देन ट्राई टू गिव दिस अल्फा वैल्यू सच दैट इनका जब आप वेटेड एवरेज निकालोगे तो वो 2.1 आए या जो भी आपका इंटीजर जो भी आपका डेसिमल नंबर है वो आए. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट. इज दिस क्लियर? यस मान्या, इज दिस फाइन? यस मैम. ओके लवली, ऑल राइट. ओके गाइस, सो ऑल लाइक शौर्या एंड अर्चना, यू आर ऑल्सो फाइन? यस मैम. ओके ऑल राइट. सो अब हम हमारे जो नए टॉपिक्स हैं उन पे आते हैं. ठीक है, चलो. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सो द लास्ट टाइम वी लेफ्ट वी सेड कि मेजर्स ऑफ लोकेशन के बारे में हमने बात कर ली है. तो हमने मीन के बारे में बात कर ली, ठीक है, मीडियन के बारे में बात कर ली, फिर मोड क्या होता है वो भी देख लिया. ठीक है, प्रोपोर्शंस क्या होंगे, प्रोपोर्शन जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा हो जैसे जेंडर का डेटा या फिर लेट से आप अर्बन हो या रूरल लोकेशन में रह रहे हो, इस तरीके का डेटा, क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें जो है आपको बताती है कि आपका डेटा लोकेटेड कहाँ पे है. ठीक है, सो अगर आपका डेटा मान लो इस तरीके से स्प्रेड है, ठीक है, तो इस डेटा को अगर एक नंबर से रिप्रेजेंट करना हो, इसकी लोकेशन कोई एक एवरेज लोकेशन, या फिर हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस डेटा यूजिंग अ सिंगल नंबर. ठीक है, सो आप एक तरीके से कोई एक एवरेज या कोई एक मिडिल नंबर या ऐसा नंबर जो बार बार आ रहा है वो सब निकालने की कोशिश करते हो. सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स दैट वी डिस्कस, दीज आर मेजर्स ऑफ लोकेशन. ठीक है, अब हमने लोकेशन तो पता कर ली कि ठीक है मेरा डेटा कहाँ लोकेटेड है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, इसकी एवरेज क्या है, बट सिर्फ ओनली दिस इज नॉट इनफ. अब हमने लास्ट टाइम जब एंड किया था वी सेड कि मान लो मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस तरीके के काफी सारे पॉइंट्स हैं, मान लो ये 5 पॉइंट है. ठीक है, इसका एवरेज जब मैं निकालूंगी वो भी यही नंबर आएगा. ठीक है, और मेरे पास मान लो 5 नंबर्स हैं ऐसे, तो इसका जब मैं एवरेज निकालूंगी तो भी ये वाला नंबर आएगा. बट ये डेटा असेंशियली दो अलग डेटा है, राइट? एक डेटा में जो नंबर्स हैं वो बहुत स्प्रेड आउट हैं और दूसरे डेटा में नंबर्स बहुत ही मतलब बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ मीन का यूज करूं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो दोनों डेटा का यूज करके मुझे मुझे पता चलेगा अच्छा ठीक है दोनों सिमिलर ही डेटा है, तो आई नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट दिस डिस्पर्शन. ठीक है, कितने डिस्पर्स हैं, या फिर हम बोलते हैं ना कि पीपल गेट डिस्पर्स, मतलब आप दूर दूर चले जाओ. ठीक है, सो नाउ यू वांट टू लुक एट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कि मेरा डेटा कितना स्प्रेड आउट है. ठीक है, सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या फिर इसको आप मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी कह सकते हो, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कि मेरा डेटा कितना वेरी कर रहा है, क्या बहुत क्लोज है मतलब बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा है, या बहुत ही स्प्रेड आउट है. सो जैसे अगर क्लास में बच्चे हैं, सबके मार्क्स 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो मान लो सबके 24 25 24 25 24 25, तो बहुत ही क्लोज डेटा है. बट अगर आपकी क्लास में ऐसे नंबर आए, किसी के 0 भी आ रहे हैं, किसी के 25 भी आ रहे हैं, किसी के 15 भी आ रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी स्प्रेड आउट डेटा. ठीक है, सो नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएबिलिटी. ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या मेजर्स हैं और क्या क्या अच्छे मेजर्स हैं और हर एक मेजर की प्रॉपर्टी क्या है. तो सबसे इजीएस्ट चीज जो है वो क्या हो सकती है, दैट कैन टेल यू कि आपका डेटा कितना दूर दूर तक फैला हुआ है, कितना वेरीड है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज रेंज. सो रेंज क्या होती है, बेसिकली रेंज का मतलब होता है कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है मैक्सिमम अमाउंट. ठीक है, सो रेंज क्या होती है कि आपके डेटा का लार्जेस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस आपके डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू. राइट, जब आप कुछ खरीदने भी जाते हो, जो व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग यू से ना अच्छा यार प्राइस रेंज बता दो कि सो सेल्समैन यूजुअली आस्क यू सर आप किस रेंज में देखना चाहते हैं, सो लाइक दैट व्हाट इज योर मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम वैल्यू दैट यू वांट टू पे फॉर इट. सो रेंज कि आपका डेटा का लोएस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है. ठीक है,
ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, ठीक है। सो अगर ये डेटा है जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, लार्जेस्ट वैल्यू ये है, तो इस डेटा का रेंज जो है छोटा हुआ तो वो डेटा कम स्प्रेड आउट है, ठीक है। अब दूसरा, इस डेटा की अगर बात करो, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ये है, तो इसकी जो रेंज होगी विल बी दिस डिफरेंस। सो दिस हैज अ बिगर रेंज, ठीक है। सो मतलब डेटा काफी वेरिएबल है। तो ये तो हो गया कि ठीक है, दिस इज वन मेजर, बट इस मेजर के साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम विद दिस मेजर, या फिर व्हाई डू यू थिंक दिस इज नॉट इनफ? चलो, व्हाट डू यू थिंक? कि रेंज, व्हाई इज रेंज नॉट इनफ? व्हाई डू वी स्टडी अदर रीजंस या फिर अदर मेजर्स? क्यों पढ़ते हैं रेंज में, क्या प्रॉब्लम? मैम, या हम रेंज गेट्स अफेक्टेड बाय आउटलाइंस. यस, डेफिनेटली दैट इज अ वैलिड रीजन। यस, कि मेरा सारा डेटा मान लो, या सो वेरी राइटली यू सेड कि इट इज अफेक्टेड बाय आउटलायर। सो मान लो मेरा एक डेटा है इस तरीके का, ठीक है, और मेरा दूसरा डेटा है, सब कुछ सेम है, ठीक है, बस एक पॉइंट इधर आ गया, तो ये डेटा ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर ही है, बट एक डेटा के हिसाब, एक डेटा बोलेगा कि आपकी रेंज इतनी है, दूसरा बोलेगा कि आपकी रेंज इतनी है। सो यस, इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, सो दैट इज वन, अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि देखो, रेंज जो है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन योर लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। बीच में कुछ भी हो रहा हो, इट डजंट केयर। बीच में मान लो मेरे पास एक डेटा है इस तरीके का, जिनके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये आपको रेंज जो देगा वो सेम देगा, बट बीच में मेरा डेटा मान लो ऐसा है, और ये वाला जो है मेरा डेटा काफी इक्वली स्प्रेड है, एंड दोनों के लिए जो मेरा रेंज होगा दैट विल एग्जैक्टली बी द सेम, राइट? सो बेसिकली इट इज नॉट टेलिंग मी कि मेरे डेटा के अंदर क्या हो, ओनली टेकिंग द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स विद इट, दैट इट इग्नोर्स इग्नोर्स रेस्ट ऑफ द n-2 वैल्यूज। सो दो वैल्यूज को तो ये कंसिडर कर रहा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बट बाकी जो n-2 वैल्यूज हो गए एक डेटा में, अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन हैं, तो n-2 वैल्यूज को वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, ठीक है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज आपके पास ऐसे केसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो या ओके, तो अब और क्या करें, और क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अब और किस तरीके से हम लोग जो है वेरिएबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि अब दूसरा तरीका क्या है, कि यार मेरे पास ये डेटा है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं मीन में इसकी कोई एक मीन वैल्यू होगी, मान लो इसकी मीन वैल्यू समवेयर हियर, ठीक है, इसकी मीन वैल्यू, तो मैं क्या देखती हूँ कि मीन वैल्यू से ये जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी दूरी पे है, व्हाट इज द डिविएशन फ्रॉम द मीन। तो इसका डिस्टेंस इतना है, 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 और इसका डिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो मैं अगर डिविएशंस फ्रॉम मीन देखू, डिविएशंस फ्रॉम द मीन, कि मेरी मीन वैल्यू से जो मेरे मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी दूरी पे हैं, एक तरीके से वो मुझे बता देगा कि मेरा डेटा कितना फैला हुआ है, राइट? तो जैसे इस केस में क्या हुआ कि वो डिविएशन इतना नहीं है, सिर्फ ये दो वैल्यूज के लिए डिविएशन ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, व्हाट आई कैन सी कि अगर मेरा मीन वैल्यू ये है तो मेरे डिविएशंस बढ़ रहे हैं, विद एवरी ऑब्जर्वेशंस माई डिविएशंस आर इंक्रीजिंग, एंड इफ आई जस्ट एड ऑल दीज डिविएशंस, दैट काइंड ऑफ कैन सर्व एज कि मेरे डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, जितना ज्यादा ज्यादा डिविएशन उतना ज्यादा ज्यादा मेरा डेटा इज मोर स्प्रेड आउट, राइट? एक तरीका ये हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका क्या हो सकता है, सम ऑफ डिविएशंस, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन। क्या पता मैं ये वाला मेजर यूज करूं, तो देन आई मे बी गेट,
आई मे गेट अ बेटर यू नो अप्रोच टू मेजरिंग द वेरिएबिलिटी. तो मेरा मेथड दूसरा मैं क्या यूज कर रही हूँ, मेरे जो डिविएशंस हैं मीन से मेरा डेटा कितना दूरी पे है, मैं हर एक ऑब्जर्वेशंस के लिए वो निकालूं और उनको ऐड कर दूं. ठीक है, तो सम ऑफ डिविएशंस, बट सम ऑफ डिविएशन ना यूज करना एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इट असेंशियली हैज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, लेट्स सी. पहले ये समझ में आ गया कि सम ऑफ डिविएशंस का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? या ओके, श्योर, सिंग, यस, ओके. मान्या, अर्चना, आर यू गाइस फाइन विद इट? यस मैम, ओके, तो हमको क्या करना है कि मेरी, मान लो मेरा जो डेटा है वो कुछ ऐसा है, x1 x2 अप टू xn, ठीक है, और मुझे क्या करना है, सम ऑफ डिविएशंस निकालना. ओके, मुझे सम ऑफ डिविएशंस निकालना. तो मतलब मुझे क्या करना है, मेरी कोई भी एक, मान लो ऑब्जर्वेशन को मैं एक्स आई बोल रही हूँ, कोई भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन, मान लो थर्ड, सो मैंने x3 निकाला, तो उसको जनरली मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है एक्स आई, उसको मैं मीन से कितना डिस्टेंस है उसका वो देख रही हूँ. सो मेरा जो मीन है, सैम्पल मीन, उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एक्स बार से. ठीक है, तो ये जो है मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा डिविएशन निकला एक्स आई, और एक्स आई का डिविएशन फ्रॉम द मीन. ऐसे ही मुझे हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए ये डिविएशन निकालना है और उसको ऐड करना है. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, समेशन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n. आर यू गाइज फाइन विद दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, कि इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट ये एक शॉर्टर वर्जन है ऑफ वॉट, x1 - x bar + x2 - x bar + ऐसे चलता रहेगा कब तक, xn - x bar. इसको लिखने का शॉर्टर वर्जन जो है वो ये है. ठीक है, इज दिस टर्मिनोलॉजी क्लियर? क्योंकि ये बार बार आएगी हमारे पास. ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स फाइन. ऑल राइट, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे ये सम ऑफ डिविएशन निकालना है. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब सम ऑफ डिविएशंस, जो ये समेशन टर्म होती है, ठीक है, अब ये समेशन टर्म आप इंडिविजुअली इन पे अलग अलग लगा सकते हो. ठीक है, मतलब मैं ये वाली जो टर्म है इसको कैसे लिख सकती हूँ, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार आई इक्वल्स टू 1 to n. मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ. क्यों? देखो, इसी को अगर आप देखो तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, x1 + x2 + up to xn, ये अलग से ऐड कर दो, और ये क्या है, -x bar - x bar - x bar, तो ये अलग अलग से मैं इनको ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से इसको एक्सपैंड किया और लिख दिया. ठीक है, चलो, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n xi, और यहाँ पे क्या है, x bar मेरी मीन वैल्यू है, और जैसे जैसे आई चेंज हो रहा है उससे मेरी एक्स बार की वैल्यू चेंज नहीं हो रही. सो बेसिकली यहाँ पे ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, एक्स बार को आप आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं. सो व्हाट आर यू डूइंग, -x bar - x bar - x bar, ऐसा यू आर डूइंग फ्रॉम 1 to n. सो यू आर डूइंग इट n टाइम्स. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, सो कैन आई राइट इट लाइक n टाइम्स मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सो कैन आई डू दिस n टाइम्स एक्स बार, कैन आई डू दैट, जस्ट दिस पर्टिकुलर, यस और नो? आई कैन डू इट, राइट? ओके, या तो ये क्या हो गया, दिस इज समेशन एक्स आई I equals to 1 to n and this is n times x bar. ठीक है, और मुझे ये बताओ x bar होता क्या है, x bar is sample mean which is nothing but summation I equals to 1 to n xi divided by n, यही होता है मेरा mean value, right? तो मैं अगर simply
एन को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई गेट एन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n xi, यस और नो? ठीक है, और अगर मैं यहां पे ये जो टर्म है इसके जगह ये एन एक्स बार रिप्लेस कर दूं तो मेरा नंबर क्या हो गया, एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार, विच इज नथिंग बट 0, यस और नो? तो बेसिकली मैं क्या देख रही हूं कि मेरे सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीन आर 0, कोई भी कुछ भी कैसा भी केस ले लो दे आर ऑलवेज 0. सो ये तो मेरा कोई मेजर नहीं हो सकता ऑफ वेरिएबिलिटी क्योंकि ये हमेशा मुझे 0 वैल्यू देगा, यस और नो? या आर यू गाइस फाइन विद इट? ओके, या तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि देखो हमारा जो डेटा है मान लो वो इस तरीके का है, तो जब आप मीन लेते हो मीन से डिविएशन लोगे ना तो डिविएशन सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव डिविएशन कि अगर आपकी वैल्यू मीन से बड़ी है तो पॉजिटिव डिविएशन और यहाँ पे नेगेटिव. सो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है? सो एवरेज की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो आपको एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा करता है कि सम ऑफ डिविएशन फॉर ऑल द पॉइंट्स टर्न्स आउट टू बी 0, ठीक है? सो यू गेट पॉजिटिव डिविएशंस आल्सो, यू गेट नेगेटिव डिविएशंस आल्सो, एंड द नेट सम बिकम 0. तो ये तो मेरा तरीका नहीं हो सकता वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए क्योंकि ये हमेशा 0 वैल्यू देगा, ठीक है? सो देन आई नीड समथिंग बेटर, ठीक है? आई नीड समथिंग एल्स, ठीक है? सो दैट एल्स इज द न्यू वे ऑफ मेजरिंग द वेरिएबिलिटी इज यूजिंग, देखो अब दूसरा तरीका क्या है, सम ऑफ डिविएशंस तो फेल हो गया, अब मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे. अब आई वॉन्ट टू टैकल दैट प्रॉब्लम, तो मैं क्या करती हूँ, वो सम ऑफ मेरे जो डिविएशन हैं मैं उनका स्क्वायर कर देती हूँ, तो मेरा नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा चाहे आप पॉजिटिव डिविएशन में हो या नेगेटिव डिविएशन में, एंड दैट इज व्हाट आई डू. और सो जब आपके पास सैंपल में डेटा दिया है उसकी वेरिएबिलिटी आपको मेजर करनी है तो उसका जो एक हम तरीका यूज करते हैं विच इज सैंपल वेरिएंस, अब वो क्या होता है वो देखते हैं, उसका जो लॉजिक है वो कैसे आया वो हमने समझाया है अभी, ठीक है? सैंपल वेरिएंस, तो ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए टू फाइंड अ गुड मेजर विच मेजर्स वेरिएबिलिटी इज सैंपल वेरिएंस, जिसको आप एस स्क्वायर से डिनोट करते हो, ठीक है? एंड इट इज गिवन बाय एस स्क्वायर में आप क्या करते हो, एक्स आई माइनस एक्स बार, रादर देन टेकिंग समेशन ऑफ द डिविएशन व्हाट डू? यू टेक द सम ऑफ देयर स्क्वायर्ड डिविएशन, सो स्क्वायर्ड डिविएशन उसका सम, समेशन ऑफ स्क्वायर डिविएशन, एंड यू डिवाइड इट बाई एन माइनस वन, ठीक है? हम ये भी पढ़ेंगे कि ये एन माइनस वन क्यों आया है, ठीक है? सो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि दिस वॉज सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन, और एक तरीके से मुझे अगर एवरेज निकालना होता है, सो जब आप मीन निकालते हो तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो, सो दिस एन माइनस वन इज क्लोज टू डिवाइडिंग इट बाई एन, तो आप बेसिकली आपका जो सैम्पल वेरियंस है वो क्या बता देता है कि रफली मेरे जो सारे ऑब्जर्वेशन हैं उसमें इतना स्क्वायर्ड डिविएशन, एक तरीके से दिस इज बेसिकली माई इंटरप्रिटेशन ऑफ सैम्पल वेरियंस कि मेरा जो डेटा है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव डिविएशन फ्रॉम द मीन है वो इतना है, वॉट एवर इज द एस स्क्वायर वैल्यू, ठीक है? और ये जो ऊपर वाला जो टर्म होता है दिस टर्म, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, सो वी विल लुक एट व्हाई वी हैव यूज्ड एन माइनस वन हियर, सो व्हाट इज द रीजन, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन योर पास्ट ईयर आल्सो, सो दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन कि सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या डिफरेंस होता है, एंड एक्सप्लेन द रीजन एंड ऑल.
सो वी विल डिस्कस व्हाई दिस इज हैपनिंग. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सैंपल वेरिएंस. ठीक है, सैंपल वेरिएंस का यूज करके ही इफ आई हैव टू फाइंड अनदर मेजर दैट इज नथिंग बट एस विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है. सो आप एस स्क्वायर का जब आप अंडर रूट कर दोगे देन यू गेट सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एंड दिस इज सैंपल वेरियंस. अब यहाँ पे एन माइनस वन क्यों है, एन क्यों नहीं है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आर यू गाइज फाइन विद वॉट इज सैंपल वेरियंस और क्यों हमने स्क्वायर किया. एंड हमें एक एवरेज मेजर चाहिए होता है कि ठीक है मेरा सम तो ठीक है बट ऑन एन एवरेज मेरे डिविएशन कितने दूर या पास हैं, दैट आई हैव टू फाइंड एंड दैट इज वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस वन. ठीक है, ये एग्जैक्टली एन क्यों नहीं है, एन माइनस वन क्यों है, दैट्स अ सेपरेट इशू विच वी विल बी कवरिंग नाउ. ठीक है, टिल देन जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइज आर फाइन विद टिल दिस पॉइंट. ओके, हाँ जी, लवली, ओके, श्योर इज फाइन. मान्या, अर्चना, आर यू गाइज फाइन? ओके ओके, ऑल राइट. ठीक है, तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है कि ऑन एन एवरेज मेरे जो डिविएशन हैं वो मेरे मीन से कितने दूर है. ठीक है, सो इट टेल्स मी व्हाट इज द साइज ऑफ अ टिपिकल डिविएशन फ्रॉम द सैंपल मीन. कि लाइक मोर और लेस आपका जो मीन है वहां से कितना दूरी पे है आपके ऑब्जर्वेशन ऑन एन एवरेज. सो ये जो टर्म है ना टिपिकल, इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग अपने सीनियर से पूछते हो यार मुझे ये कोर्स लेना है इसमें टिपिकली कितने नंबर आ जाते हैं, सो दैट इज लाइक यू वांट टू आस्क व्हाट इज द एवरेज स्कोर दैट पीपल कैन गेट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड दैट इज हाउ यू गाइज मेक द डिसीजन वेदर आई हैव टू टेक दिस कोर्स और नॉट. राइट, सो दिस इज अ सिमिलर थिंग. इट टेल्स यू द साइज ऑफ अ टिपिकल डिविएशन फ्रॉम द सैंपल. ठीक है, चलो नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज व्हाई आर वी यूजिंग एन माइनस वन इन सैंपल सैंपल वेरियंस इंस्टेड ऑफ एन. चलो, तो हमें पता है कि सैंपल वेरिएंस इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, तो मैं एक बार ये भी देखना चाहती हूँ कि मेरा पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है. ठीक है, सो जैसे पॉपुलेशन मीन इज पूरी, सो देखो हमें पता है कि पॉपुलेशन, मेरे पास पॉपुलेशन है और मेरे पास सैंपल है. ठीक है, पॉपुलेशन में मेरा पूरा का पूरा डेटा है और सैंपल में क्या है, उस पॉपुलेशन का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है मेरे पास. ठीक है, सो पॉपुलेशन मीन जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, सैंपल मीन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से. सो पॉपुलेशन, सो सैंपल इज लाइक अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, 100 लोग, 200 लोग, आउट ऑफ लेट्स से 10,000. ठीक है, पॉपुलेशन मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, सैंपल मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार. ठीक है, गाइस जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, समबडी इज एट द डोर. ओके, ऑल राइट, सो व्हाट डू वी डू, हमारे पास पॉपुलेशन है और हमारे पास सैंपल है. ठीक है, जस्ट वांट टू कंफर्म आर यू गाइस देयर. या ओके, लवली, ऑल राइट, सो सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, ओके, सो पॉपुलेशन मीन इज म्यू, सैंपल मीन इज एक्स बार. ठीक है, और पॉपुलेशन मीडियन की बात हो तो मतलब पूरी पॉपुलेशन में मीडियन वैल्यू क्या है, दैट इज गिवन बाय म्यू एंड आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट बट लाइक दिस इज द सिंबल फॉर पॉपुलेशन मीडियन एंड सिमिलरली दिस इज द सिंबल फॉर सैंपल मीडियन, कि सैंपल से जो डेटा है उससे क्या मीडियन निकाला. ठीक है, और जो सैंपल वेरिएंस है उसका सिंबल क्या है, एस स्क्वायर
और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है एस, ठीक है। सिमिलरली पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है उसका सिंबल है सिग्मा स्क्वायर, एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है सिग्मा। सो ये चीजों के बीच में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वेन एवर यू फाइंड दीज फोर थिंग्स दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसका डेटा यूज करके ये चीजें निकालते हैं। एंड दिस इज वेन यू हैव यूज अ पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन टू फाइंड द वैल्यूज, ठीक है। सो नाउ ओके, सो नाउ दैट वी हैव मेड इट क्लियर, अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एस स्क्वायर में एन माइनस वन क्यों यूज होता है इंस्टेड ऑफ एन, क्योंकि आप टिपिकली जब एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या बोल रहे हो कि एवरेज, व्हाट इज द टिपिकल डिविएशन। सो एवरेज में तो टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यूज करते हैं, तो टेक्निकली अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पे एन यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखो जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कि मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उनको मैं मीन से कितना डिविएट कर रहे हैं वो निकाल रही हूँ। तो मैं बिकॉज पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना चाह रही हूँ तो मैं पॉपुलेशन मीन यूज करूंगी, क्योंकि अगर मेरे पास पूरी पॉपुलेशन का डेटा है तो मैं ये देखूंगी कि मेरा जो पॉपुलेशन मीन है वो सारे ऑब्जर्वेशन उस मीन से कितनी दूरी पे हैं, और फिर मैं उन सबका सम कर दूंगी, जितने भी मान लो जितने भी नंबर्स हुए मेरी पॉपुलेशन में, आई इक्वल्स टू वन टू लेके कैपिटल एन, कैपिटल एन इज लेट से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन, ठीक है। एंड दिस स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल, ठीक है। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो बार बार आएंगी, सो वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज बिटवीन दीज, ठीक है। चलो तो मुझे निकाला था पॉपुलेशन वेरियंस, तो मैंने क्या किया, मेरा जो पॉपुलेशन मीन था वहां से मेरे जो नंबर्स थे वो कितना दूरी पे है उनका स्क्वायर किया और सबको सम कर दिया, और मैं ऑन एन एवरेज कितना डिविएशन होता है वो निकालती हूँ, तो इसीलिए मैं उसको एन से डिवाइड कर देती हूँ, कैपिटल एन, कैपिटल एन इज माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन वेरियंस। ये वाला पार्ट क्लियर है कि दिस इज माई पॉपुलेशन वेरियंस, और अभी अभी मैंने ऊपर डिफाइन किया कि सैम्पल वेरियंस इज गिवन बाय दिस नंबर, सो वाई वाई सच डिफरेंस, मैं क्यों ऐसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, वाई एम आई नॉट यूजिंग एन। तो सबसे पहले ना एक चीज हमें समझने की है, देखो जब हमने क्लास की स्टार्टिंग भी की थी तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि बिकॉज मेरे पास पॉपुलेशन की चीजें नहीं होती, मैं इतना सारा डेटा नहीं कलेक्ट कर पाती, तो मेरा गोल क्या होता है कि जो मेरे पास सैंपल है उससे जो मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ क्लोजेस्ट टू पॉपुलेशन वैल्यू, वो मेरा गोल होता है कि मैं सैंपल क्यों निकाल रही हूँ, ताकि मेरी जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन वेरियंस है, या मुझे पॉपुलेशन के बारे में चीजें समझनी है, उसको समझने का मेरे पास सैंपल लेने के अलावा कोई तरीका नहीं होता, बिकॉज पॉपुलेशन को एक्सपेंसिव है गैदर करना, मॉनिटर करना, इट्स टाइम टेकिंग ऑल्सो। सो यू टेक सैंपल, एंड सैंपल से जो चीजें आप निकालते हो यू वॉन्ट देम टू बी एज क्लोज टू योर पॉपुलेशन एज पॉसिबल, ठीक है, ये हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा सैंपल मीन जो है, सैंपल सॉरी सैंपल वेरिएंस जो है वो ऐसा हो विच इज एज क्लोज टू पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस के जितने ज्यादा करीब हो उतना अच्छा है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब ये देखो, सो व्हाट एम आई यूजिंग, आई एम यूजिंग सैंपल वेरिएंस सच दैट आई कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस, क्योंकि ये सब स्टेटिस्टिक्स पढ़ना, ये सब पॉपुलेशन, ये सब स्टेटिस्टिक्स पढ़ना, ये सब करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सैंपल वेरिएंस का यूज करके पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकूं, ठीक है।
अब आप ये देखो, एक चीज है पॉपुलेशन मी म्यू, ठीक है, और एक चीज है सैंपल मी, ठीक है। अगर कोई मुझे गलती से दे देता कि पूनम देखो ये पॉपुलेशन मीन की वैल्यू है, अब हमें डिविएशंस निकाल के दो, तो मैं क्या करती, अगर मुझे म्यू की वैल्यू पता होती तो मैं क्या करती, ये एक्स बार यूज करने की बजाय मैं सिंपली क्या करती, म्यू यूज कर लेती यहाँ पे, क्योंकि आई वॉन्ट टू फाइंड एक्चुअली द डिविएशन फ्रॉम द मीन एंड माई ऑब्जेक्टिव मीन इज पॉपुलेशन, तो मैं यहाँ पे म्यू यूज करती, और जब मैं अगर यहाँ पे म्यू यूज करती देन आई कुड हैव सिंपली डन एन, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पॉपुलेशन वेरियंस के करीब जाना है, मुझे ना पॉपुलेशन मीन पता है ना पॉपुलेशन वेरियंस पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम, इट विल बी द केस दैट यू विल हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। सो ये जो म्यू है ये भी हमें नहीं पता होता, तो ये जो एक्स बार हम लोग यूज करते हैं दैट इज लाइक अ एस्टिमेट ऑफ म्यू, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि अगर आप कुछ ये वाला डेटा है, मान लो आपके पास ये 5-6 नंबर्स है, इसका यूज करके आप एक एवरेज निकाल रहे हो, दैट इज माई सैंपल मीन, तो इसका मान लो एवरेज आया एक्स बार, सो एक्स बार इज मोर लाइकली टू बी क्लोजर टू योर ऑब्जर्वेशन देन लेट से द पॉपुलेशन मीन, कि इट इज वेरी लाइकली कि मेरा पॉपुलेशन विल बी समवेयर हियर लेट से, एंड बिकॉज मैं सैंपल मीन को कैसे निकाल रही हूँ, सैंपल डेटा का यूज करके, और मेरा सैंपल डेटा इज नेवर अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई पॉपुलेशन डेटा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा सैंपल एक ही तरीके के उठा लूंगी, तो क्या होगा, चांसेस आर कि मेरे जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके सबसे करीब मेरा सैंपल मीन होगा रादर देन माई पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो मैं क्या क्लेम कर रही हूँ कि बिकॉज मेरा जो सैंपल मीन है वो बाकी नंबर्स के करीब होगा, तो मेरे जो डिविएशंस हैं वो स्मॉल आएंगे रादर देन द एक्चुअल डिविएशंस फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, तो आई एम क्लेमिंग कि मेरा ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा दिस इज एक्चुअली अ लिटिल स्मॉलर देन व्हाट इट शुड हैव बीन, अगर मैं यहाँ पे म्यू यूज करती। ये वाला आर्ग्यूमेंट आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, अभी डाउट है तो बताओ, वरना मैं दोबारा इससे रिपीट कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। आर यू गाइस फॉलोइंग मी टिल दिस पॉइंट? ओके आई विल रिपीट। ओके ओके मान, ओके देखो, थोड़ा सा हवा में बात करने के बजाय क्या करते हैं, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज लेट से 10 स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स, वो मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो और वो स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 70, 80, 90, ठीक है। सो या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। मान लो आई हैव 9 किड्स, ठीक है, सो 9 बच्चे हैं जिनके एक पेपर था मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें मार्क्स इतने आए हैं, ठीक है। सो मुझे, एंड दिस इज माय एंटायर पॉपुलेशन, मैं सिर्फ इन्हीं के बारे में देख रही हूँ, तो अब आप ये बताओ कि पॉपुलेशन मीन क्या होगा। पॉपुलेशन मीन की वैल्यू क्या होगी, इन सबको ऐड करो और डिवाइड करो 9 से, सबको मैं ऐड करती हूँ तो क्या हो रहा है, 90, 10, 100, 100, 100, 100, 4 times 100 and 50, सो 450 एंड देन डिवाइडेड बाय 9, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, 50, सो माय पॉपुलेशन एवरेज इज 50, सो बेसिकली माय म्यू वैल्यू इज 50, यस और नो, ठीक है। ओके माय पॉपुलेशन इज 50, बट मान लो अब मुझे सारी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने सिर्फ इसमें से एक सैंपल लिया, ठीक है। सैंपल में मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, ठीक है, और मेरा सैंपल किस तरीके का आ गया, सैंपल इस तरीके का आ गया, मान लो ये 3 लोग थे जो मेरे सैंपल में आ गए, मेरा सैंपल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। मेरे सैंपल में कौन कौन आ गया, 20, 30 एंड 40, अब मुझे इसका मीन अगर निकालना है तो इसका मीन क्या होगा, एक्स बार विल बी व्हाट, सो 60 एंड 30, 90 डिवाइडेड बाय 3 देन इट इज 30, ठीक है। या
सो माई सैम्पल मीन इज 30, माई पॉपुलेशन मीन इज 50, ठीक है। अब देखो मुझे एक्चुअली जब वेरिएंस निकालना होता है तो माई गोल इज टू फाइंड द डिविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे पॉपुलेशन मीन निकाल रही सैम्पल मीन निकाल सैम्पल वेरिएंस निकालती हूँ यूजिंग माई एक्चुअल पॉपुलेशन मीन, देन व्हाट डू आई गेट? तब मैं क्या करूंगी, 20 माइनस 50, 30 माइनस 50 एंड 40 माइनस 50, ये करूंगी। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे पॉपुलेशन मीन नहीं पता होता देन व्हाट वुड आई हैव डन? आई वुड हैव डन 20 माइनस 30, 30 माइनस 30 एंड 40 माइनस 30। तो मेरा क्लेम क्या था, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो सैम्पल मीन है वो मेरे जो नंबर्स है उन्हीं के आसपास रहने रहेगा, ठीक है। तो जब मैं डिविएशन निकालूंगी और उनका स्क्वायर करूंगी तो वो डिविएशन एक्चुअली छोटा होगा कंपेयर टू व्हाट, कि अगर मैं सैम्पल मीन की जगह पॉपुलेशन मीन यूज करूँ, अगर मैं यहाँ पे 50 यूज करती तो जो सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन है वो एक बड़ा नंबर होता, और मैं एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द मीन ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सैम्पल मीन क्यों ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पॉपुलेशन मीन पता ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पॉपुलेशन की वैल्यूज कभी पता ही नहीं होती है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपका न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी न्यूमरेटर, योर न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी स्मॉलर देन व्हाट इट शुड हैव बीन। मान लो न्यूमरेटर 50 आ रहा है जबकि वो 100 आना चाहिए था। दिस इज माई क्लेम टिल दिस पॉइंट, इज दिस क्लियर व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, कि माई एक्स बार वैल्यू इज वेरी क्लोज टू माई सैम्पल वैल्यूज, सो मेरा सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन इज वेरी लाइक रिलेटिवली स्मॉल इफ आई कंपेयर इट। अगर मैं सैम्पल मीन की जगह म्यू यूज करूँ तो मेरा सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन इज गोइंग टू बी अ बिगर नंबर। ये वाला पॉइंट क्लियर है? मतलब आई हैव जस्ट यूज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द सेम पॉइंट। ओके ओके ऑल राइट, अर्चना आर यू फाइन विद इट? यस मैम, ओके ठीक है। अब यहां तक हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि मेरा जो सैम्पल वेरिएंस है उसका ये वाला जो नंबर है इट इज एक्चुअली अ लिटिल स्मॉलर देन व्हाट इट आइडियली शुड हैव बीन। एंड मैं इन दोनों को कंपेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये ही इसी के क्लोज आना है। वेन एवर आई एम पिकिंग सैम्पल वैल्यूज माई मकसद ऑलवेज इज टू रीच दिस वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या देख रही हूँ, ये नंबर एक्चुअली बड़ा होना चाहिए बट बिकॉज मेरे पास म्यू नहीं है आई एम यूजिंग एक्स बार, तो मेरा ये जो नंबर है थोड़ा छोटा हो रहा है। तो मैं अब ये वाली चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कर रही हूँ, तो देखो अब जब आपका न्यूमरेटर छोटा है और आपका आपको अगर अपना नंबर बढ़ाना है तो आप डिनोमिनेटर को छोटा करते हो कि बड़ा करते हो? शुड आई मेक माई न्यूमरेटर अ लिटिल स्मॉलर और अ लिटिल बिगर इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज दिस दिस पर्टिकुलर नंबर, और लेट्स से ओवरऑल पूरा नंबर अगर मुझे बढ़ाना है, क्योंकि ये एक्चुअली छोटा है, जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा छोटा आ रहा है, तो शुड आई या सो आई शुड डिक्रीज माई डिनोमिनेटर, राइट? यस और नो? एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन वाई इंस्टेड ऑफ एन आई एम यूजिंग एन माइनस वन। आई एम सेइंग कि ठीक है यार, मतलब बिकॉज मेरे पास पॉपुलेशन वैल्यूज नहीं थे तो मैं जो है अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कर रही हूँ, एन की जगह एन माइनस वन यूज कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन वी आर यूजिंग एन माइनस वन, ताकि मेरा ये जो एस स्क्वायर है ये एक तरीके से थोड़ा गुड एस्टिमेट आ जाए किसका, सिग्मा स्क्वायर। दिस इज माई रीजनिंग बिहाइंड पुटिंग एन माइनस वन। Are you guys fine with it? Yeah, okay, Manya is fine. Shaurya, Archana, are you guys fine? Okay. तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को। तो हमने क्या किया, एन की जगह एन माइनस वन, कि चलो यार थोड़ा डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि नंबर एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। सो व्हाट एम आई डूइंग, सो अब इफ आई वांट टू राइट ऑल दिस इन वर्ड्स व्हाट विल आई से दैट
बिकॉज मेरे जो सारे एक्साइज होते हैं दे टेंड टू बी क्लोजर टू एक्स बार देन दी पॉपुलेशन एवरेज. व्हाट इज द पॉपुलेशन एवरेज? म्यू. बिकॉज दिस इज द रीजनिंग कि सारे एक्साइज दे आर वेरी क्लोज टू एक्स बार देन द पॉपुलेशन एवरेज. सो टू कॉम्पनसेट फॉर दिस अंडर एस्टिमेशन वी यूज एन माइनस वन टू कॉम्पनसेट द वैल्यू. कॉम्पनसेट, ठीक है. सो आई एम यूजिंग एन माइनस वन टू कॉम्पनसेट फॉर दैट क्लोजनेस और दैट स्मॉलर सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन. ठीक है, दैट इज वाई आई एम यूजिंग एन माइनस वन. सो ये हो गई हमारी एक इंटरप्रिटेशन, वन इंटरप्रिटेशन ऑफ वाई वी आर यूजिंग एन माइनस वन. सो चलो, ये तो हमने थोड़ा रीजनिंग से एक्सप्लेन किया. जब आगे जाके यू नो व्हेन यू विल आइदर आप अगर हायर स्टडीज में स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो या फिर इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ते हो, देन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. सो सैम्पल जो जैसे ये सैम्पल वैल्यूज हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज. बाद में आप पढ़ोगे अनबायसनेस, ठीक है, एफिशिएंट, कंसिस्टेंसी. देन यू विल रियलाइज कि ये वाला जो यू नो एक्सप्रेशन है, दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर. क्या होता है ये सब हम मतलब आगे जाके पढ़ेंगे, बट यस दिस हैज सम गुड डिजायरेबल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ विच वी आर यूजिंग दिस. ठीक है, और इसका थोड़ा रीजनेबल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ये है, ठीक है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू कंट्रोल फॉर दैट अंडर एस्टिमेशन. ठीक है, एक लॉ एक एक एक्सप्लेनेशन ये है. देर इज अनदर एक्सप्लेनेशन विच इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये भी काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है. सो जैसे इफ आई वॉन्ट टू शो यू देर वॉज अ क्वेश्चन, या आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट. सो देर वॉज अ क्वेश्चन. I'm not sure why that is not happening, but anyways, okay. But there was a question which says कि sample variance और population variance के बीच में क्या difference है? Explain using the concept of degrees of freedom. तो degrees of freedom basically होती क्या है? And what is the logic here? ठीक है? तो first of all, I want to ask you, do you guys know what is degrees of freedom? This is something जो हम लोग ME 1 में जब हम लीनियर एलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, यू नो रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है. सो आर यू गाइज अवेयर ऑफ इट? इफ यस प्लीज टेल मी, एक्सप्लेन वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन मी. ओके, मान्य से नो. ओके, ओके श्योर इज नॉट एबल टू रिकॉल. ओके, सो गाइज बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बट हाँ, इसको नहीं समझोगे तो फिर ऐसा लगेगा क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है. चलो तो हम लोग समझते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले होता क्या. ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नाम जो है वही इसकी पहचान है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितनी फ्रीडम है मेरे पास, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आई हैव, दिस इज लाइक दैट इज ऑल. मेरे पास कितनी फ्रीडम है, कितनी डिग्री की फ्रीडम है. अब इसका मतलब क्या हुआ देखो. ओके, अब मैं ना आपको मैं दो इक्वेशन लिखती हूँ. ठीक है, तो मेरे इक्वेशन जो है x+y+z=2. ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, 2x+y+z=5. ठीक है, अब पहले तो ये बताओ कि क्या आप एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू होगी, डज इट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट,
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि क्या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या फिर मतलब इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कम ऑन, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, टेल मी। सो माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। माई क्वेश्चन इज कि ये दो इक्वेशन दी हुई है आपको मैंने, ठीक है, और तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास। तीन वेरिएबल क्या हो गए, एक्स और वाई और जेड। अब आपको ये बताना है कि ये जो दो इक्वेशन है इसका क्या यूनिक सोल्यूशन है, या तो फिर इसके मल्टीपल सोल्यूशन है, या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड है जिसके लिए ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ओके, सो मान्या सिंह इट हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस। व्हाट अबाउट यू गाइस, व्हाट डू यू गाइस थिंक? चलो ओके, सो देखो एक जनरल रूल हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि जितने वेरिएबल्स हैं मेरे पास कम से कम मेरे पास उतने इक्वेशन होने चाहिए टू गेट अ यूनिक सोल्यूशन, राइट? तो मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं और मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो इट डजंट हैव अ सोल्यूशन बेसिकली। आई एम सेइंग दैट कि इसके कुछ भी वो लाइक इट हैव मल्टीपल सोल्यूशन। व्हाट व्हाई एम आई सेइंग दैट, व्हाई व्हाई इट कैन हैव मल्टीपल सोल्यूशन? अभी देखो, मान लो मैंने जेड की वैल्यू जो है बोल दिया कि जेड की वैल्यू 0 है। अगर जेड की वैल्यू 0 है तो मेरी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या होंगी? नाउ यू टेल मी दैट। सो व्हेन एक्स जेड इज 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x + y = 5, राइट? सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स इज 3 एंड वाई इज -1, यस और नो? यस यस, ओके ओके। बट अब मैंने क्या किया, तो देखो जैसे ही मैंने जेड को बोला कि बेटा जेड आप 0 वैल्यू ले रहे हो, तो एक्स और वाई ने अपनी वैल्यू बता दी क्या, 3 और -1। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो Z की वैल्यू है 1। अब मैंने Z की वैल्यू 1 दे दी तो X और Y की वैल्यू क्या हो गई, X + Y = 1 एंड 2X + Y = 4। तो अब X और Y की वैल्यू क्या हो गई, X की क्या वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू फिर से 3 हो गई और वाई की वैल्यू क्या हो गई, वाई की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी -2 हो गई। या -2, या तो देखो अब हमारे साथ गेम क्या चल रहा है, हमारे साथ गेम क्या चल रहा है, जैसे जैसे मैं जेड की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज कर रही हूं, अपनी फ्रीडम से चूज कर रही हूं, एक्स और वाई आर ऑटोमेटिकली डिटरमिंड। फिर मैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकती, यस और नो? द मोमेंट आई डिसाइड कि जेड की वैल्यू 0 होगी या जेड की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, कुछ भी होगी, एक्स और वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई। यस, दे डोंट हैव एनी फ्रीडम कि हम कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, राइट? यस और नो, लाइक डू यू गाइज अग्री कि जैसे ही आप, और यहाँ पे चलो मैंने जेड की वैल्यू लिख दी, आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर सकते हो अपनी मर्जी से। यू कैन से वाई इज 2, वाई इज 1, या फिर आप बोल सकते हो एक्स की मैं ये वैल्यू रखना चाहती हूँ, जो भी आप बोलो, ठीक है? सो सो आई एम सेइंग द मोमेंट आई फिक्स वैल्यू ऑफ जेड अकॉर्डिंग टू माई फ्रीडम, एक्स एंड वाई वैल्यू आर ऑटोमेटिकली डिटर्मिंड।
सो एक्स और वाई की वैल्यू चूज करने में हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, जेड वैल्यू चूज करने के लिए मेरे पास एक फ्रीडम है. सो आई हैव फ्रीडम टू चूज वन वेरिएबल. दैट मीन्स माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज वन, बिकॉज मेरे को मेरे पास फ्रीडम कितने वेरिएबल्स के लिए है? वन वेरिएबल के लिए. यस और नो? डू यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब कितने वेरिएबल को चूज करना आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, सिस्टम आपको कुछ नहीं बोल रहा. जैसे जेड की वैल्यू फिक्स करके अगर मैंने ये बोला कि एक्स की वैल्यू मैं ये रखूंगी, तो वाई ऊटपटांग वैल्यू ले लेगा और बोलेगा नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. या सो माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस केस इज वन. ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि why are we using n minus 1 for the sample variance? First, tell me, did you get the concept of degrees of freedom? Okay, Manya is fine. Archana, Shaurya, you fine? Okay, lovely. Okay, great. तो देखो, अब मैं आपसे सेम सवाल पूछूंगी. देखो, मेरे पास ना x1, x2, अप टू xn, ये मेरे सैंपल वैल्यूज हैं, और किसी ने मुझे x बार दिया हुआ है. इफ x बार इज गिवन टू मी, ठीक है, इफ x बार इज गिवन टू मी, ठीक है, व्हाट इज माय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? सो माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ यू नो व्हाट इज x बार, एक्स बार अगर आपको पता है, ठीक है, कि एक्स बार मान लो एक्स बार की वैल्यू है 10, देन व्हाट इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है कि कितने वेरिएबल्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो. ऐसे कितने वेरिएबल्स हैं? सो इफ यू नो एक्स बार, आप कितने वैल्यूज को अपनी मर्जी से चूज कर सकते? दिस इज द क्वेश्चन. क्या आप 10 के 10 वेरिएबल्स अपनी मर्जी से चुन सकते हो? यस और नो? ओके, सो मान्या सिंह, 10 के 10 हम नहीं चूज कर सकते, क्योंकि मैंने 10 के 10 नंबर्स चूज कर लिए 11, तो मेरा मीन वैल्यू क्या गया? 11, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज माई मीन वैल्यू इज 10. बट अब आप मुझे ये बताओ, कैन आई चूज 9 ऑफ माई वैल्यूज? 10 के 10 तो नहीं कर सकते, 9 चूज कर सकते हैं? ओके सो वी हैव वन आंसर दैट नो, 9 भी चूज नहीं कर सकते. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि क्या मैं 9 वेरिएबल्स जो x1 अप टू xn है उसमें से, ओके सो 9 आई एम सेइंग कि मान लो 10 मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे. ओके, वी हैव वन मोर रिस्पांस दैट वी कैन चूज मोर देन हाफ. ओके, तो चलो एक बारी ये देखो कि मान लो मेरे पास 10 नंबर्स हैं, और मेरा मेरे को सिंपल सिर्फ ये बोला गया कि उनका मीन जो है 10 आना चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने 9 वेरिएबल्स अपनी मर्जी से चुन लिए. मैंने 9 के 9 वेरिएबल्स क्या चुन लिए? 10. ठीक है, 9 के 9 वेरिएबल्स को क्या, 9 के 9 ऑब्जर्वेशंस को क्या चूज कर लिया? 10. और मुझे मीन निकालना है, तो मेरा सम क्या होगा? 10 × 9 प्लस कोई एक आखिरी नंबर था 10th वाला, वो क्या होगा मुझे नहीं पता. एंड दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई 10, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 10. तो वॉट इज माई वैल्यू ऑफ x10? माई वैल्यू ऑफ x10 इज 10. यस और नो?
मैंने 9 वेरिएबल अपनी मर्जी से चुन लिए तो x10 अपने आप ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया। सिमिलरली मैं ये 9 वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू चूज कर लूं, उसका कोई ना कोई एक सम आएगा, राइट? सम ऑफ 9 वैल्यूज प्लस द 10th वैल्यू, दिस सम शुड बी इक्वल टू व्हाट? डिवाइडेड बाय 10 और ये 10, दिस सम शुड बी इक्वल टू 100। तो आपका ये सम चाहे 100 आए तो 10th वैल्यू 0 हो जाएगी, ये सम 90 आए तो 10th वैल्यू 10 हो जाएगी, ये 1000 आए तो ये नेगेटिव में चले जाएगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये 9 वैल्यूज मैं अपनी मर्जी से चूज कर रही हूँ और ये 10th वैल्यू ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रही है। Are you guys seeing the logic here? या कि ये 9 वैल्यूज कुछ भी हो, ये 9 वैल्यूज कुछ भी हो, 10th वैल्यू में कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाती है और मेरा मीन वैल्यू 100, मीन वैल्यू 10 आ जाता है। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? राइट? सो एक तरीके से व्हाट इज माय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर? इफ आई हैव 10 ऑब्जर्वेशंस, इफ माय एन इज 10, मैं कितने नंबर्स अपनी मर्जी से चूज कर सकती हूँ? 9, राइट? सो द लॉजिक गोज हियर इज इफ यू हैव एन ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल यू कैन चूज एन माइनस वन ऑफ देम, अगर आपका मीन कहीं से बोला है कि इतना ही होना चाहिए तो। सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एस स्क्वेर, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एस स्क्वेर इज नथिंग बट एन माइनस वन। सो व्हाट एम आई सेइंग? या सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एस स्क्वेर इज एन माइनस वन, और आई कैन से एस स्क्वायर इज बेस्ड ऑन अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एन माइनस वन। इसीलिए क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने एन माइनस वन ऑब्जर्वेशन या फिर क्वांटिटीज को स्पेसिफाई कर दिया, आई ऑटोमेटिकली नो द एनथ क्वांटिटी, राइट? इफ आई नो द मीन, ठीक है? इसीलिए माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एस स्क्वायर इज एन माइनस वन। इसीलिए इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय instead of dividing it by n, I am dividing it by n minus 1. So whatever is my degrees of freedom, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे म्यू यूज करती तो म्यू और मेरे ऑब्जर्वेशन का कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज म्यू इज अ पॉपुलेशन नंबर, राइट? तो अगर यहाँ पे म्यू होता तो मैं 10 की 10 अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकती थी, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, राइट? क्योंकि दैट इज अ कॉन्स्टेंट विच इज द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का सैंपल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, राइट? दैट इज द रीजनिंग व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट बाय एन माइनस वन। या आर यू गाइज फाइन विद इट? सो लाइक दिस इज द इंटायर डिस्कशन मैम रिगार्डिंग। या मैम, अगर म्यू होते तो 10 कैसे चूज कर सकते थे? तो देखो, म्यू जो है, म्यू इज माई पॉपुलेशन मीन, राइट? म्यू इज माई पॉपुलेशन मीन। तो अगर आपकी पॉपुलेशन कितनी भी बड़ी है, ठीक है, तो म्यू इज माई पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन एक तरीके से एक फिक्स्ड चीज होती है, ठीक है? जब मैं एक्स बार मेरे सिस्टम में लेके आ जाती हूँ, देन व्हाट एम आई सेइंग कि सम ऑफ ऑल माई ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी इक्वल टू दिस। बट जब मेरे पास पॉपुलेशन मीन है, देन आई हैव नो सच रिस्ट्रिक्शन ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाई एन जो है दैट शुड बी इक्वल टू म्यू, ऐसा तो मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट? अगर आई एम टेकिंग पॉपुलेशन मीन एंड बिकॉज आई हैव नो सच रिस्ट्रिक्शन, ये एक्स एन जो है कुछ भी वैल्यूज में ले सकती हूँ, ऑब्वियसली विद इन प्रॉपर कंडीशन की। अगर मेरा डेटा ऐसा है कि पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है तो मैं पॉजिटिव वैल्यूज ही लू, कोई अगर एक लिमिट है तो मैं उसी तरीके से चीजों को लू, बट आई हैव नो सच रेस्ट्रिक्शन। बट वेन आई एम टेकिंग सैम्पल वैल्यूज आई हैव अ रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन? कि आपके एक्स वन और ये जो सारा सम है ये एक्स बार के बराबर आना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो मेरे को अलाउ करता है ये सारी वैल्यूज अपनी मर्जी से डिसाइड करने को।
या I got it, but I don't understand the answer of the difference between population variance and sample variance using degrees of freedom. ओके सो द डिफरेंस वुड बी कि आप अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हो एंड बिकॉज पॉपुलेशन जो बिकॉज आपका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है इट हैज अ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एन. नो नो एक्चुअली यू नो व्हाट डू यू डू इज देखो पॉपुलेशन वेरिएंस यू आर यूजिंग जनरली. पॉपुलेशन वेरिएंस का मतलब क्या है कि आपके जो स्क्वायर्ड ऑफ डिवी सो डिविएशन फ्रॉम मीन का स्क्वायर जो है उसका एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए एक तरीके से. ठीक है सो यू डू द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन एंड देन यू टेक द एवरेज बट बिकॉज इन द सैम्पल यू हैव एन एडेड रिस्ट्रिक्शन कि आपकी एक्स बार वैल्यू आप यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ म्यू योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकम्स एन माइनस वन एंड दैट इज वाई यू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन. ओके मैम सॉरी बट आई स्टिल डोंट गेट इट. कोई बात नहीं मे बी गिव इट सम टाइम आई विल ऑल्सो कम अप विद अ बेटर एक्सप्लेनेशन आई ओके थिंक ओवर इट एंड वी कैन डिस्कस इट एट द बिगिनिंग ऑफ आर नेक्स्ट क्लास. ओके Maybe give it some time and let me also come up with a better explanation. Okay? Yeah, all right. Okay, all right. Okay, so yeah, तो major major जो हमारा discussion था regarding the measures of dispersion or the measures of यू कैन से वेरिएबिलिटी दैट इज डन. सो हमने रेंज के बारे में बात की हमने सम ऑफ डिविएशंस के बारे में बात की वाई दैट डजंट वर्क एंड वाई आर वी यूजिंग सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस एंड हमारा सैम्पल वेरियंस क्या है हमारा पॉपुलेशन वेरियंस क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट एंड सो दिस थिंग आई हैव नोटेड आई हैव टू यू नो गिव यू दिस पर्टिकुलर आंसर द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल वेरियंस एंड पॉपुलेशन वेरियंस In a better way, I'll note that for the next class. Apart from that, now हमारा major जो introductory chapter है हमारा introduction that is done. ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? We will look at some problems जो past years में आए हैं. So उसको हम देखेंगे. And there is one more thing that I want to mention कि जो the notes that I have shared with you, so they have excess material basically. सो दे हैव एक्स्ट्रा मटीरियल जो हमारे कोर्स में शायद पूछा भी ना जाए बट आई हैव एडेड इट बिकॉज आगे जाके कहीं पे भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स करते हो देन यू नीड टू नो व्हाट इज हिस्टोग्राम देन यू नीड टू नो बॉक्स प्लॉट क्या होता है ऑन ऑल ऑफ दैट. सो इट्स रिटन देयर बट इट इज ओवर एंड अबव योर कोर्स दैट इज गोइंग टू बी आस्ड. सो वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सो यू कैन रेफर दैट और उसमें भी अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन Ask me, okay? And I think we can take a break now. Let's take a 10 minutes break and then come back and do some problems related to the concepts that we've covered. Okay? That sounds good. So let's come back at 7:29, okay? I'll see you guys at 7:29. PM. Okay, guys. Have a sip of water, move around, and then come back. All right. So before going into the break, we've covered most of the things that are necessary for you to cover the introductory part, which is chapter one. Aur hamara jo unit rahega, like the first section of your paper. Which we discussed is covering 15 marks. So इसमें ये introduction वाला part होगा and there will be probability. ठीक है? So we will plan. So I'm planning कि हम लोग थोड़ा बहुत product probability इसी lecture में start कर देंगे. Before that, let's discuss a few problems. So major major exam में questions जो हैं, they are from you know
ट्रिमड मीन क्या होगा, और अगर मैंने एक ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया तो मीडियम मीन ये सब की वैल्यूज को क्या होगा. सो मेजरली मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड मोर और लेस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ये इसी पे में हमारा मेजर डिस्कशन रहता है इन दी एग्जाम. एंड बाकी थोड़े बहुत थ्योरी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और वेरिएंस, N-1 degrees ऑफ फ्रीडम, ये सब तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं. ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस लाइक एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड लेट्स सी हमने कितना समझा है, हमें कितना समझ में आया है. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो लेट्स डू वन थिंग. ओके, सो लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड फिर हम लोग साथ में ही क्वेश्चंस करेंगे. यू गाइज विल बी डूइंग इट एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. ठीक है, चलो. सो ओके, द क्वेश्चन सेज द हाइट्स ऑफ फाइव प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम हैव अ मीन ऑफ 76 inches, अ मीडियन ऑफ 78 inches एंड अ रेंज ऑफ 11 inches. सो सबसे पहले बिकॉज डीयू में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, सो प्लीज रिमेम्बर, नो डोंट वरी अगर क्वेश्चन आता है या नहीं आता है. फर्स्ट स्टेप इज जस्ट राइट व्हाट एवर इज गिवन टू यू. ठीक है, सो मुझे क्या क्या दिया हुआ है. मीन इज 76 inches, मीन ऑफ हाइट ऑफ फाइव फुटबॉल प्लेयर, सो नंबर ऑफ प्लेयर्स इज फाइव एंड मीन इज 76 inches, मीडियन इज 78 inches, ओके, एंड रेंज इज 11 inches. ठीक है, ये चार चीजें मुझे दी हुई है, मीन, नंबर ऑफ प्लेयर्स, मीडियन एंड रेंज. ठीक है, ये चार चीजें दी हुई है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टॉलेस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ सब्स्टिट्यूट हु इज 2 inches टॉलर, वुड दीज थ्री मेजर्स चेंज, इफ येस हाउ. सो वॉट हैव दे सेड कि भाई हमारा जो सबसे लंबा प्लेयर था, टॉलेस्ट प्लेयर, अब उसको रिप्लेस कर दिया है एक नए प्लेयर ने. ओके, सो उसको रिप्लेस कर दिया है एक नए प्लेयर ने जिसकी हाइट क्या है, हिज हाइट इज 2 inches टॉलर. सो टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट मान लो टी थी, तो अब जो नया प्लेयर आया है उसको रिप्लेस कर दिया एक प्लेयर ने जिसकी हाइट क्या है, T+2 inches. ठीक है, अब हमसे पूछा है कि मीन चेंज होगा, मीडियन चेंज होगा या रेंज चेंज होगा, क्या चेंज होगा और अगर चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज होगा. तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि मीन, मीडियन और रेंज, इन तीनों में से कौन सी चीजें चेंज होंगी और फिर हम लोग आंसर करेंगे कि क्या चेंज होगा. तो सबसे पहले व्हाट विल चेंज, टेल मी, यू कैन टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट एंड थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस. ठीक है, गिव मी योर आंसर्स. ओके ओके ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट. सो मीन एंड रेंज विल चेंज. ठीक है, सो हमारा मीन चेंज होगा और हमारा मीडियन चेंज नहीं होगा और हमारी रेंज चेंज होगी. ठीक है, सो फर्स्ट टेल मी कि रेंज कितने अमाउंट से चेंज होगी. सो पहले रेंज थी 11, अब रेंज कितनी हो जाएगी. ओके, ओके, मान्या सेंटर आंसर, शौर्य सेंटर आंसर, अर्चना, तो देखो जो रेंज होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन एंड सबसे टॉलेस्ट पर्सन. ठीक है,
अब इन्होंने क्या बोला, ये टॉलेस्ट पर्सन जो था इसको हटा के एक नया पर्सन से रिप्लेस कर दिया जिसकी हाइट क्या है, 2 इंचेस एक्स्ट्रा है, सो 2 इंचेस और ऐड हो गए। सो ये वाली जो मेरी रेंज थी वो कितनी थी, 11 इंचेस। अब क्या हो गया, ये पर्सन यहाँ से हटके यहाँ पे आ गया, 2 इंचेस एक्स्ट्रा उसकी, मान लो कि जो हमारा पुराना प्लेयर था उसी की हाइट बढ़ गई 2 इंचेस, तो अब मेरा जो नया रेंज है वो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 विच इज 13 इंचेस। यस, इज दिस क्लियर, वाई इज दिस 13 इंचेस, क्योंकि रेंज में आप स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट प्लेयर की बात कर रहे हो। स्मॉलेस्ट प्लेयर मान लो कोई भी था, टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट थी टी, और ये जो डिस्टेंस, लेट्स से स्मॉलेस्ट प्लेयर इज एस, दिस डिस्टेंस इज 11 इंचेस, बट नाउ एवरीथिंग एल्स हैज रिमेन्ड द सेम, दिस पर्सन टी हैज बिकम टी प्लस टू, सो द न्यू न्यू रेंज वुड बी 11 प्लस 2 विच इज 13 इंचेस। इज दिस फाइन अर्चना, इज दिस फाइन? ओके, ऑल राइट, तो रेंज हमारी चेंज हो गई, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मीन कितना चेंज होगा। सो पहले मीन मेरा था 76 इंचेस, अब मेरा जो नया मीन है वो कितना होगा, व्हाट इज द न्यू मीन, एंड वंस यू आर डन विद दैट आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि मीडियन क्यों चेंज नहीं होगा, वॉट इज योर रीजनिंग फॉर वाई मीडियन विल नॉट चेंज। सो फर्स्ट गिव मी द आंसर फॉर दिस कि वॉट इज द मीन। सो मीन बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन मान लो सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, एन इज 5 ईयर, ठीक है, दिस 5, दिस इज इक्वल टू 76 इंचेस। यस, तो पहले मेरे पास 5 प्लेयर्स थे, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 76। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, 76 इंटू 5, यस और नो, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, 6503 एंड 35 एंड 38, दिस इज 380, राइट, सम इज 380। अब क्या हो गया है, ये सबसे छोटा प्लेयर था मान लो, ये सबसे टॉलेस्ट प्लेयर था, अब टॉलेस्ट प्लेयर की हाइट 2 इंच बढ़ गई, तो x5 थी, अब 2 इंच और बढ़ गई, ठीक है। So, अब ये सम जो था 380 था, अब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हाइट में 2 इंच का एक्स्ट्रा एडिशन हो गया, तो मेरा व्हाट इज द सम नाउ, व्हाट इज द न्यू सम नाउ, 382, एंड अगेन आई हैव हाउ मेनी प्लेयर्स, 5, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज नथिंग बट 7 एंड देन 6.4, या इज दिस क्लियर व्हाई दिस इज The mean? Okay. Yeah. So simply कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस सब लोगों की हाइट उतनी ही है, बट एक्स्ट्रा 2 इंचेस हमारा सम बढ़ गया है, ठीक है। और मीन क्या होता है, सम, टोटल सम ऑफ हाइट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल इज 5, द न्यू हाइट इज 382, 382 डिवाइडेड बाय 5, ओके, ऑलराइट। सो नाउ टेल मी, या सो अर्चना दिस इज फाइन, नो, ओके, चलो, तो और मीडियम क्यों नहीं चेंज होगा, इसका रीजनिंग बताओ। मैम क्योंकि जो हाइट में चेंज है वो लास्ट वाली वैल्यू में आया है और जो मीडियन होता है वो मिड वैल्यू होता है, तो जो ऑर्डर है हाइट का वो सेम रहेगा, तो इसलिए मीडियन में भी चेंज नहीं है। वेरी नाइस, एग्जैक्टली, क्योंकि मीडियन आपका मिड वैल्यू होता है, ठीक है, जब आप ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, और हमारा पूरा सिस्टम वैसा ही है, बस जो टॉलेस्ट प्लेयर था वो 2 इंचेस बढ़ गया, तो हमारे बीच के वैल्यूज पे कोई असर नहीं हुआ,
जैसे कल सुनो, कल हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या, एक क्वेश्चन जब हम देख रहे थे कि एक बच्चे के नंबर 35 की जगह 45 हो गए, तो उससे ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया। फिर हमने देखा कि अच्छा 11th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो सिमिलर हियर, यहाँ पे ऑर्डर सेम रहा, सो जो थर्ड पर्सन है जो कि हमारा मीडियन है, उसकी हाइट उतनी ही रही, इसीलिए मीडियन वही रहेगा, ठीक है। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो आई होप दिस लाइक एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। फर्स्ट, सो पार्ट ए इज क्लियर, ओके, लेट मी नो इफ एनी डाउट्स। ओके ओके ऑल राइट, सो लेट मी रीड आउट द सेकेंड पार्ट एज वेल। ठीक है, पहले क्या रिप्लेस किया था, सबसे टॉलेस्ट प्लेयर को 2 इंचेस और टॉल पर्सन से रिप्लेस कर दिया था। अब क्या हो रहा है, इफ द टॉलेस्ट प्लेयर इज रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूट, अब उसका रिप्लेसमेंट आया, उसका रिप्लेसमेंट कैसा है, हु इज 4 इंचेस शॉर्टर, अब उसका रिप्लेसमेंट 4 इंच छोटा है, ठीक है। विच ऑफ द न्यू वैल्यूज, तो अब क्या बोल रहे हैं, मीन, मीडियन एंड रेंज, ये 3 में से विच ऑफ द न्यू वैल्यूज कुड यू डिटर्मिन। तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया और बोल दिया इसमें से अब आप क्या निकाल पाओगे, ठीक है। एंड जो भी आपका आंसर है उसके हिसाब से यू हैव टू टेल व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ व्हाट एवर यू आर एबल टू फाइंड। सो फर्स्ट टेल मी कि आप मेन, मीडियन या रेंज, इन तीनों में से क्या निकाल पाओगे, एंड व्हाट विड बी द न्यू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो आई हैव, ओके ओके ठीक है, सो द आंसर दैट आई हैव गॉट इज कि हम लोग मीन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मीन क्या होगा वो बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन हुज हाइट इज t-4 inches, ठीक है। सो क्वेश्चन वाज मीन, मीडियन और मोड में से हम क्या मीन, मीडियन एंड रेंज, या मीन, मीडियन एंड रेंज में से मैं क्या क्या निकाल सकती हूँ। तो हमारा आंसर है दैट वी आर गेटिंग इज मीन, हम मीन निकाल सकते हैं। तो पहले तो मीन की वैल्यू क्या आएगी, तो हमें पता है, ओके सो आई गॉट वन आंसर, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो व्हाट इज द मीन। ओके, आई एम गेटिंग टू डिफरेंट आंसर्स, काइंडली चेक वंस अगेन, एक बार फिर से आप चेक करो आंसर। या दैट इज द सम, ये हमारा सम है, तो हमारी मीन वैल्यू क्या होगी। सो देखो, हमारा पहले टोटल सम क्या था, जब सब कुछ नॉर्मल था, 380 सम ऑफ हाइट्स। अब हमने क्या किया, सबसे टॉलेस्ट प्लेयर इज रिप्लेस बाय अ पर्सन जिसकी हाइट 4 इंचेस छोटी है, सो 380 माइनस 4 विच इज व्हाट, 376, और 376 इज माय सम, एंड देन आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट बाय 5, सो व्हाट इज दिस, सो या दिस इज 7 एंड देन 26, सो 5 एंड देन 2, या आई विल डू दैट 75.2। मैम हम 376 76.4 के हिसाब से नहीं लेंगे, लाइक व्हाट वी गॉट द आंसर इन फर्स्ट पार्ट, या हम जो ओरिजिनल प्रॉब्लम के हिसाब से लेंगे। ओरिजिनल प्रॉब्लम, ओरिजिनल ओके प्रॉब्लम, ओके, आई थॉट 76.4 के हिसाब से करना है लाइक चेंजेस के बाद। ओके ओके, सो लाइक द जनरल, मतलब जैसे, मतलब व्हाट व्हाट यू आर आस्किंग इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट, बट जनरली जैसे जब चीजें आपको दो पार्ट्स में दी हुई हो या बहुत ही अलग से नाम मेंशन किया हो, राइट, टिल दैट टाइम यू विल अज्यूम दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कंडीशंस, ठीक है। अनलेस एंड स्पेसिफिकली इफ दे पॉइंटेड आउट यू हैव टू
कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन, देन ओनली यू टू डू दैट. अदरवाइज हम लोग ओरिजिनल या हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसी से कंपेयर करेंगे. ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऑलवेज कंपेयर विद द ओरिजिनल अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड स्पेसिफिकली. ठीक है, ओके. सो हमारी मीन वैल्यू हो गई. अब मुझे ये बताओ कि मीडियन और रेंज क्यों नहीं मैं निकाल सकती, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैम इन द रेंज वी डोंट नो द जो हाइट के बाद हमारा पर्सन है कि दैट इज अ टॉलेस्ट और द स्मॉलेस्ट, इट कुड बी इन बिटवीन, सो वी कुड नॉट टेक कंसीडर दैट वैल्यू. और मीडियम में भी हमें नंबर नहीं पता कि वो कौन से पे आ रहा है इन ऑर्डर, सो वो भी नहीं निकाल सकते. एग्जैक्टली. सो रेंज में क्या हो रहा है कि स्मॉलेस्ट प्लेयर ये है और फिर मान लो तीन प्लेयर ये हैं और मेरा पहले टॉलेस्ट प्लेयर ये था. अब मेरा जो नया पर्सन है जिसको मैंने रिप्लेस किया है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो रिप्लेस होके जो नया पर्सन है उसकी ऑर्डरिंग यहीं पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है. बेस्ड ऑन एवरी सिंगल सिचुएशन माई नंबर्स विल चेंज, सो आई डोंट नो वट इज द रेंज, राइट? सिमिलरली या सो बेसिकली द क्वेश्चन लाइक द स्टेटमेंट इज कि टॉलेस्ट प्लेयर क्या टॉलेस्ट बचेगा ये मुझे नहीं पता आफ्टर दिस रिप्लेसमेंट, हेंस आई कैन नॉट फाइंड रेंज. एंड आई कैन यूज द सेम लॉजिक एंड सेम एक्सप्लेनेशन टू से कि बिकॉज आई डोंट नो वॉट विल बी द न्यू ऑर्डरिंग नाउ. क्या पता ये जो जिसको जिसने टी माइनस फोर ने रिप्लेस किया, क्या पता ही और शी बिकम्स द थर्ड पर्सन, तो वो हमारा मीडियन हो जाएगा. क्या पता ही बिकम्स द सेकेंड पर्सन, देन द ऑर्डरिंग विल चेंज, देन वी डोंट नो वॉट हैपन्स. ठीक है, सो बिकॉज वी आर नॉट क्लियर इन द ऑर्डर वी कैनॉट से वॉट इज द मीडियन एंड वॉट इज द रेंज. ठीक है, सो इज दैट क्लियर? सो इस लेवल के प्रॉब्लम्स आपसे पूछेंगे बेसिक बेसिकली फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व रिगार्डिंग ट्रिम्ड मीन, ठीक है, जहां पे हमारा नंबर नॉन इंटीजर आ रहा था, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो इसी में मतलब पता है इसी के थोड़े 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 वेरियंट्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है, सो आई वुड आस्क यू कि जो हमारा जो हमारे जो नोट्स हैं उसमें जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं उसमें से यू यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस, यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. ठीक है, एक बार यू कैन गो थ्रू द नोट्स, उसमें से काफ़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप पढ़ो. अगर उसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है आस्क मी, एंड स्टार्ट डूइंग द पास्ट ईयर्स ऑल्सो आफ्टर एवरी सिंगल चैप्टर. और उसमें से जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, कम बैक टू मी एंड वी कैन डिस्कस इट इन क्लास. ठीक है, सो अभी के लिए दिस इज ऑल दैट आई थॉट वी कुड डिस्कस रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ आर स्टेटिस्टिक्स विच इज चैप्टर वन. ठीक है, इसमें कोई भी डाउट, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क? If not, we will begin with our probability part. Okay, I think there are no doubts. Okay. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, probability के बारे में पढ़ना चाहते हैं. This is a very important topic. You'll say I say this about all the topics, but yeah, they are, because masters bhi agar aapko, if you some of you are planning for masters, so this is one topic, probability and all, probability statistics, heavily asked in ISI entrances, DSE entrances. So all the mathematical entrances jo hote hain, like this is a very major focus area by the institutes in terms of the question paper. So iski basic cheeze hame, you know, iski basic cheezo mein hame full clarity honi chahiye. Theek hai, chalo. So yeah, let's begin talking about our chapter 2, which is probability. Theek hai, to aaj hum log probability ke basic jo concepts hote hain
सैम्पल स्पेस, इवेंट आउटकम, कॉम्प्लेक्स इवेंट, सिंपल इवेंट, और एक्सियम्स क्या होती हैं, एक्सियम्स का मतलब क्या होता है, ये सब हम, सो कॉन्सेप्चुअली वी विल स्टार्ट लुकिंग एट द टॉपिक्स नाउ. ठीक है, ओके. तो अब काफी सारी चीजें, काफी सारे वर्ड्स बार बार आपको बोले जाएंगे. वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज माई सैम्पल स्पेस, दिस इज एन इवेंट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इवेंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट. बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपके थ्रो की जाएगी, तो टर्मिनोलॉजी इसका मीनिंग क्या है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट. सो नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी एंड व्हाट इज द मीनिंग. ओके, चलो. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है. सो आपने अभी तक, अगर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस और ये सब बड़े बड़े लंबे एक्सप्लेनेशन सुने, तो देन यू हियर द स्टेटमेंट लाइक, सो वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड दिस दीज आर द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. इस तरीके से स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एनी एक्टिविटी और यू कैन से एनी प्रोसेस हुज आउटकम इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी. सो ऐसा कोई भी प्रोसेस या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका रिजल्ट या जिसका आउटकम, आउटकम मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, या क्या रिजल्ट बेसिकली आ रहा है, हुज आउटकम इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी. सो उसका आउटकम क्या आ रहा है वो एक फिक्स्ड चीज नहीं है. ठीक है, सो विच कुड बी लाइक, इफ वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी, इफ आई एम थ्रोइंग अ डाइस, मैंने अगर एक डाइस थ्रो किया, सो दैट इज माई एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो वो जब मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया, तो उसका आउटकम जो है, उसका रिजल्ट क्या, कि डाइस पे कौन सा नंबर आया. तो आप नंबर कुछ भी आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो द आउटकम दैट विल कम, इट इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी, इट इज, सो आई एम नॉट श्योर वॉट विल कम एज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो अनसर्टेनिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि द स्टेटिस्टिक्स इज एंटायरली द स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ओनली मेक सेंस वेन वी आर टॉकिंग अबाउट नो द इवेंट्स वेर इन वी आर नॉट श्योर. ठीक है, सो देर इज सम अनसर्टेनिटी अबाउट इट. ओके, ऑल राइट. सो एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसका आउटकम या जिसका रिजल्ट है उसके साथ थोड़ी अनसर्टेनिटी रिलेटेड है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया थ्रोइंग अ डाइस. ठीक है, चलो. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट? सेकंड कॉन्सेप्ट इज सैंपल स्पेस. क्या होता है सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस हमेशा एक एक्सपेरिमेंट का होता है, हमेशा एक एक्टिविटी का कोई एक सैंपल स्पेस होता है. सो सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. अब सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. ठीक है, सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. और सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. तो जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उन सबको मैंने लिस्ट डाउन किया, उसका एक सेट बना दिया, उसको मैं बोल रही हूँ सैंपल स्पेस. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाइस, देन व्हाट इज दी सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज थ्रोइंग अ डाइस? सो टेल मी व्हाट इज द सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट अ सेट. तो अब ये सेट में क्या क्या आएगा, एंड माई एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाइस. ओके, आई हैव वन आंसर. या एब्सोल्युटली राइट अर्चना. या वेरी नाइस मान्या. सो
ओके सो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरा इवेंट है डाई को थ्रो करना, और जब मैं डाइस को थ्रो करती हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है. और सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो जो आ सकता है उसको लिस्ट कर दो सेट में, दैट्स ऑल. सो दिस इज माई सैम्पल स्पेस. ठीक है, अगर मेरा एक्सपेरिमेंट है कि फ्लिपिंग अ कॉइन, तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा? इफ माई एक्सपेरिमेंट इज फ्लिपिंग अ कॉइन, देन वॉट इज माई सैम्पल स्पेस? एग्जैक्टली, वेरी नाइस अर्चना. या सो जब मेरे को कॉइन फ्लिप करना है तो क्या क्या हो सकता है? या तो हेड्स आ सकता है, या तो टेल्स आ सकता है, हेड्स या फिर टेल्स, राइट? अब मैंने अगर एक और एक्सपेरिमेंट बनाया, एक और एक्सपेरिमेंट क्या है? मेरा एक्सपेरिमेंट है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस दैट यू अटेंड, फॉर स्टेटिस्टिक्स. ठीक है, मान लो हमारा जो कोर्स है उसमें हम लोग 25 क्लासेस ले रहे हैं, मान लो. ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर, सो माय एक्सपेरिमेंट इज द कि कोई भी एक इंसान कितनी क्लासेस अटेंड कर रहा है इन दिस कोर्स, देन व्हाट कुड बी द सैंपल, लाइक व्हाट वुड बी द सैंपल स्पेस फॉर दिस इवेंट, एंड द इवेंट इज हाउ मेनी क्लासेस आर यू अटेंडिंग फॉर स्टेटिस्टिक्स, व्हाट इज माय सैंपल स्पेस हियर? वेरी नाइस मान्या. I want to see more answers. तो अगर मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि कोई इंसान कितनी क्लासेस अटेंड कर सकता है, तो क्या ये हो सकता है कि वो एक भी क्लास ना अटेंड करे? बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो मेरा वन ऑफ द आउटकम इज ही अटेंड जीरो क्लास. दूसरा क्या है कि वो एक अटेंड करे, फिर दो या तीन या चार या 25 के 25. तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो गया? 0, 1, 2, एंड इट कैन गो अंटिल 25. या सो दिस इज माई सैंपल स्पेस. तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अगर आपको कोई बोले कि सैंपल स्पेस निकालना है, देन यू शुड नो उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन्हें हमें सिर्फ लिस्ट करना है, एंड दैट इज माई सैंपल स्पेस. ठीक है, सो एवरीबडी क्लियर विद वॉट इज अ सैम्पल स्पेस? या यस और नो? ओके, ऑलराइट. अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, विच इज, अब देखो, एक्सपेरिमेंट हो गया एक्टिविटी करना, सॉरी, या एक्सपेरिमेंट हो गया एक्टिविटी करना, सैंपल स्पेस हो गया उस एक्टिविटी से एसोसिएटेड जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना. अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, विच इज इवेंट. इवेंट क्या होता है? ठीक है, इवेंट क्या होता है? इट इज एनी कलेक्शन, और यू कैन से सबसेट, एनी सबसेट of the outcomes contained in the sample space. So sample space में मेरे पास जितने भी outcomes हैं उसका any subset of that, any collection या any subset of the sample space is an event. ठीक है, सो जैसे मान लो हेड्स या टेल्स है, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय एक्सपेरिमेंट दैट आई एम फ्लिपिंग अ कॉइन. सो एक सबसेट क्या होगा? सिर्फ हेड्स. एक सबसेट क्या होगा? सिर्फ टेल्स. एक सबसेट क्या होगा? हेड्स एंड टेल्स. एक सबसेट क्या होगा? नथिंग. सो लाइक 5. सो एनी सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस इज एन इवेंट. ठीक है, कोई भी सबसेट इसका, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज एन इवेंट. ठीक है,
अब उसको डिस्क्राइब अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे अगर थ्रोइंग अ डाइस है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो माई एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई एंड माई इवेंट इज इफ माई नंबर दैट कम्स इज लेस देन वन, उसमें क्या है जीरो एलिमेंट. इफ माई इवेंट इज इफ द नंबर दैट कम्स इज एन इवन नंबर, सो उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 2, 4, 6. माई अनदर इवेंट कुड बी इफ द नंबर दैट आई गेट इज ग्रेटर देन 7, तो वो क्या है उस वो जो इवेंट है उसमें एक भी मेंबर नहीं, सो दैट इज अ नल सेट. ठीक है, सो मेरा जो सैम्पल स्पेस है उसका कोई भी सबसेट है दैट इज एन इवेंट, और इवेंट को आप डिस्क्राइब किसी भी तरीके से कर सकते हो. ठीक है, तो ओके अब इवेंट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, इवेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक इवेंट होता है सिंपल इवेंट और एक इवेंट होता है कंपाउंड इवेंट. ठीक है, सिंपल इवेंट मतलब इसमें सिर्फ एक ही आउटकम है, वन आउटकम. ठीक है, और कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज्यादा आउटकम, मोर देन वन आउटकम. ठीक है, सिंपल सिंपल इवेंट वन आउटकम, कंपाउंड इवेंट मोर देन वन आउटकम, दैट इज द सिंपल डिफरेंस इन इवेंट्स. सो इवेंट मेरे कैसे कैसे हो गए, लेट्स से माय इवेंट, लेट्स से मान लो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हमने क्लासेस अटेंड की, सो माय इवेंट इज लाइक व्हाट, सो लेट्स से नंबर ऑफ क्लासेस दैट यू अटेंड, सो टेल मी इफ यू अटेंडेड मोर देन 24 क्लासेस, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 25. टेल मी इफ यू माई इवेंट इज इफ यू अटेंडेड मोर देन लेट्स से 3 का स्क्वायर्ड क्लासेस, 3 का स्क्वायर्ड इज 9, सो आपने 9 से ज्यादा क्लासेस अटेंड किया नहीं, तो आप अपने इवेंट को किसी भी स्टेटमेंट से डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, और उसमें अगर एक से ज्यादा आउटकम है तो इट्स अ कंपाउंड इवेंट, इफ इट ओनली हैज वन आउटकम इट्स अ सिंपल इवेंट. ठीक है, एंड बिकॉज हमारा जो इवेंट होता है, इवेंट क्या होता है, इट्स अ सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं, सेट के ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं ये इवेंट्स पे भी लगते हैं. ठीक है, सो व्हाट एम आई सेइंग, बिकॉज इट्स अ सेट, सो बिकॉज इवेंट इज अ सेट, सेट ऑपरेशंस आर यूज्ड. सो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, आप हमें बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. सो दिस इज वन इवेंट, सो मान लो आई एम थ्रोइंग अ डाइस. ठीक है, और माय इवेंट ए इज आपके पास इवन नंबर आया, इवन नंबर आया. ठीक है, माय इवेंट बी इज आपके पास ऑड नंबर आया, एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कि या तो इवन नंबर आया हो या तो ऑड नंबर आया हो, इसमें कितने मेंबर्स होंगे. सो सिंपली आपको क्या करना है, ये इवेंट है इसमें कुछ मेंबर्स हैं, ये इवेंट है इसमें कुछ मेंबर्स हैं, इन दोनों का यूनियन लेना है. सो या तो नंबर इवन हो या तो नंबर ऑड हो, उसमें कितने मेंबर्स आ रहे हैं मेरे पास वो मुझे बताना है. सो 3 इवन है, 3 ऑड है, या तो नंबर इवन होता है या तो ऑड होता है, देन व्हाट इज द नंबर, ऑल 6, राइट, सो दिस नंबर इज 6, यस और नो, आर यू क्लियर टिल दिस पॉइंट. ओके, ऑल राइट, तो इवेंट हमें समझ में आ गया. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारा जो अगला चीज है, सारे सेट ऑपरेशंस हमने अलाउ कर दिए, तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी डिस्कशन हुआ, यूनियन के बारे में भी डिस्कशन होगा, इंटरसेक्शन के बारे में भी डिस्कशन होगा, तो एक बार ही बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन रिविजन हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट ईच ऑफ दीज मीन्स. ठीक है, सो देखो अगर यूनियन ले रहे हैं, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है, इसका मतलब वो सारे आउट, दिस इज इवेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, वो सारे आउटकम्स
जो या तो इवेंट ए में हो या तो इवेंट बी में हो, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होगा? वो सारे आउटकम्स, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या होगा? अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो वो सारे आउटकम्स जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, ठीक है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट, सो लेट्स से इफ आई हैव एन इवेंट ए, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? वो सारे आउटकम्स जो ए में ना हो, एंड एवरी ऑल द आउटकम्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ ए, दैट मीन्स वो ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा द अदर थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज फाई। व्हाट इज फाई? फाई मतलब नल इवेंट। इसका मतलब क्या है? ऐसा इवेंट विच डज नॉट हैव एनी आउटकम, विच डज नॉट हैव एनी आउटकम। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि माई इवेंट इज, इफ द नंबर दैट आई गेट ऑन द डाइस इज 7, इज दिस पॉसिबल और नॉट? इसके लिए कोई भी एक आउटकम है या नहीं? मेरे नंबर तो सिर्फ 1 to 6 आ सकते हैं। एंड इफ माई इवेंट ए इज, इफ नंबर ऑन डाइस इज 7, सो दिस इवेंट इज अ नल इवेंट, क्योंकि इसके लिए कोई आउटकम है ही नहीं, ठीक है, ओके। कोई दो इवेंट हैं ए एंड बी, ठीक है, मैंने अगर इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन लिया एंड इट इज कमिंग आउट टू बी अ नल इवेंट, ठीक है, देन वी से, देन या सो देन वी से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है। ए एंड बी, या तो आप बोलो इसको कि ये डिसजॉइंट है, या तो यू कैन से दैट दिस इज म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। सो या तो ये डिसजॉइंट इवेंट्स आप बोल सकते हो, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर एक्सक्लूसिव, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, ठीक है। सो जॉइंट फैमिली, डिसजॉइंट फैमिली, नथिंग इन कॉमन, वेरी स्टार्क एग्जाम्पल, बट डिसजॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, ठीक है, ओके। सो यहां तक कोई डाउट, एनीथिंग? यस, नो, एवरीबडी फाइन? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक बेसिक चीजें कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज ना काफी बार, मतलब बार बार हम लोग यूज करते हैं, और फिर जब हम लोग क्लास 12 में होते हैं तब हम लोग इतना ध्यान देते नहीं है, और फिर काफी तब हमारा काम चल जाता है, बट अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसमें आउटकम अनसर्टेन है। सैम्पल स्पेस, कोई भी एक्टिविटी के सारे पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इवेंट क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सिंपल सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। और बिकॉज इवेंट क्या है? एक सबसेट है ऑफ द सैंपल स्पेस, सो सेट रिलेटेड सारे ऑपरेशंस इस पे चलते हैं, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब इस पे चलता है, ठीक है। फिर यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन, ये सब हमने बेसिक बेसिक देख लिया। एंड ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट, नल इवेंट है, तो ए और बी को हम या तो डिसजॉइंट बोलते हैं, या तो फिर हम उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ नाउ कम्स दी नाउ कम्स दी पार्ट वेर इन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं वो बताऊंगी, और उसके पहले मैं थोड़ा सा टाइम लेके ये भी समझाना चाहती हूँ कि एक्सियम्स एक्चुअली होते क्या है। सो मैथ में भी एक्सियम्स होते हैं, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मैथ्स ही है। सो मैथ में जो एक्सियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। सो आई वांट टू टॉक अबाउट एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो डज एनीबडी नो व्हाट इज एन एक्सियम, और इफ यू जस्ट वांट टू ट्राई आउट कि एक्सियम क्या होता है, इफ यू वुड लाइक टू जस्ट टेल मी समथिंग, लेट मी राइट द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड वंस आई राइट द एक्सियम्स देन मे बी यू कुड ट्राई आउट कि एक्सियम्स का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, सो देर आर बेसिकली थ्री एक्सियम्स. फर्स्ट एक्सियम इज फॉर एनी इवेंट. अभी आपको दिमाग में आ गया कि इवेंट मतलब सैम्पल स्पेस का सबसेट. फॉर एनी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. दिस इज माई फर्स्ट एक्सियम, एक्सियम वन. माई एक्सियम टू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस इज वन. दिस इज माई सेकेंड एक्सियम. ठीक है, माई थर्ड एक्सियम इज कि अगर मेरे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं, वॉट आर द इवेंट्स, ए वन ए टू अप टू ए एन, इफ ए वन ए टू अप टू ए एन इज, इफ ए वन ए टू अप टू ए एन इज, इट इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन. मतलब इसमें इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, ए वन ए टू अप टू ए एन चलते ही जा रहा है, इट्स नॉट एंडिंग. ठीक है, इट्स एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स. डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब जिनका आपस में इंटरसेक्शन इज नल इवेंट. तो अगर ये ए वन ए टू अप टू ए एन जो है, हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, इट्स एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, देन आई एम सेइंग देन the probability of the union of all these events, probability of a1 union a2 union up to whatever events that I have, this union is nothing but sum of I equals to 1 to infinity, because there are infinite events. Bas inka individually jo probability hai unko add kar do. So probability of this union is nothing but sum of the probabilities. Theek hai, ये मेरा थर्ड एक्सियम है. ठीक है, ये हमारे तीन, या हम वो तो सम वन नहीं होगा, विच वन सम वन नहीं होगा वो एक्सियम, ये वाला नहीं, सम विल नॉट बी वन. सो दिस एक्सियम इज सेइंग कि आपके जो सारे डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, दिस इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, अगर मैं सारे इवेंट्स का यूनियन लू, so this is nothing but in sub events ki probability ko bas add kar do, that's all. So this is my axiom, this is my third axiom. theek hai, to ab chalo ye to humne axioms likh diye ki axioms kya kya hain. ab uske pehle hum ye janna chahte hain ki axiom ka matlab kya. theek hai, to can you figure out what is the meaning of axioms from here? Or maybe generally, if you already know. Ma'am, could you please explain the third one once again? Yeah, yeah, I'll explain all of these again. Don't worry. Main sabko pura acche se samjhaungi. Okay. But theek hai, just because you've asked. Mere paas bahut sare events hain. Theek hai? Event is nothing but a subset of my sample space. Aur mere events kya hain? Mere events hain A1, A2. A3 अप टू, ये चलते जा रहे हैं, इट्स एन इनफाइनाइट कलेक्शन. इनफाइनाइट कलेक्शन मतलब ये चलते जा रहे हैं, कि मैंने ऐसा नहीं है कि बस पांच ही इवेंट्स लिए. दिस इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन. ठीक है, ओके. अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को मन है कि ये सारे और ये सारे जो इवेंट्स हैं, दे आर डिसजॉइंट, दे हैव नथिंग इन कॉमन. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मेरा पर्पज है इन सबका यूनियन निकालना. ठीक है, so their union will be nothing but आप क्या करो, ये जो इवेंट्स हैं आपके, इनको बस इनकी प्रोबेबिलिटीज को एड कर दो, P1, PA1, PA2, ऐसे करते रहो एड, एंड कीप एडिंग देम, एंड दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनियन. दिस इज द एक्सियम. ठीक है, जैसे क्या हो गया, मान लो ये आपका सैंपल स्पेस है, दिस इज माई एंटायर सैंपल स्पेस, इसके अंदर मेरे सारे जो है सारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए. ठीक है,
और मान लो मेरे जो इवेंट्स हैं वो कैसे हैं, मेरे इवेंट्स क्या हो गए कि ये A1 है, ये A2 है, इनका आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। और मुझे, और मान लो मेरे सारे सारे इस तरीके से, मैं A5 है, ऐसे बस चलता जा रहा है, और मुझे ये सारे इवेंट्स का यूनियन निकालना है, तो दैट विल बी नथिंग बट आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को बस ऐड कर दो, ठीक है। दिस इज व्हाट, हाँ या मैम, दीज इवेंट्स आर ऑफ द सेम एक्सपेरिमेंट और अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज सेम, एक्सपेरिमेंट इज सेम, सो ये सब जो भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर अ एक्सपेरिमेंट, फॉर एक्सपेरिमेंट। मैम पर फिर तो वो जो यूनियन लेंगे हम, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस ही हो गया ना, तो इसलिए वो 1 नहीं आना चाहिए। तो ये क्यों हो गया सैंपल स्पेस? हम यूनियन ले रहे हैं ना। हाँ तो यूनियन लेते रहो, क्या दिक्कत है। मान लो, देखो देखो, मान लो मेरा, ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, ओके। सो मान लो दिस इज, हाँ, सो माइंड यू आई एम नॉट पुटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन कि ये मेरे इवेंट क्या होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज माय सैंपल स्पेस, ठीक है। लेट से दिस इज माई इवेंट A1, दिस इज माई इवेंट A2, ठीक है। इसके बाद वाले मेरे सारे इवेंट्स क्या हैं? नल इवेंट्स, मतलब कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ कि मेरा सैम्पल स्पेस आएगा कि नहीं आएगा? सो लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। माई A1 इवेंट इज, द नंबर दैट आई गेट इन माई डाई इज 5, ठीक है, दिस इज फाइन, ये इवेंट ठीक है। A2 इज माई इवेंट दैट द नंबर दैट आई गेट इन माई डाई इज 6, माई A3 इवेंट इज द नंबर दैट आई गेट ऑन माई डाई इज 7, एंड देन 8, एंड देन 9, एंड देन ऐसे चलते जा रहा है, इनफाइनाइटली इट्स गोइंग ऑन, जितने नेचुरल नंबर उतना ही आगे आगे चलता जा रहा है। दिस सीम्स लाइक अ रियल पॉसिबिलिटी, येस और नो? या शौर्या अर्चना, दिस इज फाइन। ओके तो फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को अगर ये सारे इवेंट्स की यूनियन निकालनी है, ठीक है, कि मेरे डाइज में 5 भी आ जाए, या तो 5 आए, या तो 6 आए, या तो 7 आए, या तो 8 आए, चलते जा रहा है, तो बेसिकली मेरा इवेंट हो क्या गया है, मैंने क्या किया, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड करूंगी, यहाँ के बाद सारी प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई, 0, या और फिर ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, सो दिस इज 2/6, दिस इज माय एक्सियम, गॉट इट? सो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी इक्वल टू 1, राइट? हाँ, अगर ये बोल दो कि नल अलाउड नहीं है, देन व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस, क्योंकि नल अलाउ ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, और डिसजॉइंट भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा एरिया कवर करके इट बिकम्स 1, बट आई एम अलाउइंग नल इवेंट्स, या मेकिंग सेंस? ओके, ठीक है। तो ये जो है, या आई होप दिस इज मेकिंग सेंस नाउ, एंड देर इज नो कंफ्यूजन टिल नाउ। यस मैम। ओके, तो अभी हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग, हमारे क्वेश्चन आए थे कि एक्सियम होते क्या है। देखो, अब मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आप छोटे थे एंड समबडी टोल्ड यू 1+1 इज 2, आपने बस मान लिया था ना कि 1+1 इज 2, राइट? किसने बोला 1+1 इज 2, या मतलब व्हाट इज द लॉजिक, या किसी ने बोला कि 1 इज अ डिजिट, 2 इज अ डिजिट, 3 इज अ डिजिट, ये सब हमने मान लिया था। तो मैथ शुरू होता है कहाँ से, 1+1 इज 2, देन 2+1 इज 3, ऐसे चीजें एक दूसरे के ऊपर प्रोग्रेस करती हैं, बट कोई एक बेसिक फाउंडेशन होती है। व्हाट इज आर बेसिक फाउंडेशन? कि 0 to 9 digits है। अगर आप आज के दिन ये मानना बंद कर दो कि 0 इज नॉट अ डिजिट, 1 इज नॉट अ डिजिट, पूरा मैथ का फंडामेंटल हिल जाएगा, राइट? सो एक्सियम मतलब द बेसिक फाउंडेशंस जिसके ऊपर आप चीजों को बिल्डअप करते हो, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम्स। कि भाई यार,
इसको भी नहीं माना ना तो मैं सब्जेक्ट में घुस ही नहीं पाऊंगी। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ माय सैंपल स्पेस 1 नहीं माना, और मैंने ये भी नहीं माना कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, या थर्ड एक्सियम, तो मैं अपने सब्जेक्ट में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगी। सो लाइक दीज आर द बेसिक फाउंडेशनल पिलर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड इन द फील्ड। बाकी सारी चीजें ना इसी पे बिल्डअप है। सो वो सारी चीजें हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी है उसका समवन होता है, या फिर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1, या फिर डिसजॉइंट इवेंट का यूनियन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट इज सम ऑफ दोज इवेंट्स। ये सारी चीजें ना ये सिर्फ 3 एक्सियम्स पे बेस करके हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, बट ये वाले जो एक्सियम्स हैं ये किसी भी और चीज से डिराइव नहीं हो सकते। ये चीजें आपको अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? सो लाइक दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियम। सो एक्सियम, सो इसीलिए एक्सियम अलग चीज होती है, प्रोपोजिशन अलग चीज होती है, थ्योरम अलग चीज होती है, एंड एक्सियम जो होता है ना, कभी भी आपने एक्सियम का प्रूफ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है विच यू आर अज्यूमिंग टू बी ट्रू, एंड देन यू आर बिल्डिंग अप एवरीथिंग ऑन दैट। प्रोपोजिशंस, थ्योरम, इन सब के प्रूफ देखे हैं आपने, बट कभी आपने एक्सियम्स का प्रूफ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो एक्चुअली प्रूफ है ही नहीं, वो एक स्टेटमेंट है विच यू आर अज्यूमिंग टू बी ट्रू, ताकि आगे वाली चीजें, आगे थ्योरम, ये सब जो है आप प्रूव करो। सो द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैंड्स ऑन दीज 3 एक्सियम्स, बाकी सब कुछ कैन बी डराइव फ्रॉम दीज 3 एक्सियम्स, एंड इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल ऑल्सो डिराइव अ फ्यू थिंग्स। हम लोग काफी सारी चीजें सिर्फ ये 3 चीजों का यूज करके डिराइव करेंगे। हेंस दीज आर एक्सियम्स एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सियम्स। ठीक है, सो आई थिंक नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टॉप फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, एनी डाउट्स गाइज? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? आई होप आई वॉज एबल टू इग्नाइट दैट क्यूरियोसिटी विच आई हैव। सो डिड यू गाइज अंडरस्टैंड एक्सियम क्या होता है? ओके, लवली। ओके ओके गाइज, सो व्हाट विल आई डू? आई विल शेयर द नोट्स। जस्ट वन थिंग, ओके, लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।